विद द प्रेयर्स एंड देन वील गो. आई नो अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आई ट्राई टू आई मीन वी कैन कीप इट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो दिस टाइम, नो प्रॉब्लम. एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर्स. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं. वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम. ऑलराइट सो या आई सी लेस नंबर ऑफ पीपल एंड I'm assuming it's the pandemic effect, but nonetheless, we'll start and pray for everybody and their well-being. So, any questions? Any question is not the wrong question. अगर ये बहुत ही heavy हो रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, then I can try to explain whatever questions you have. Okay. प्रभु जी मुझे एक question पूछना था. हाँ बताइए. मेरे को जैसे आपने स्थित प्रज्ञ बताया तो उसमें आपने बोला कि डिजायर्स आप सब छोड़ दो और बस आप सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस में रहो. तो ऐसे मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ भी डिजायर नहीं करो एज अ इस मतलब इस दुनिया में, अगर आप मतलब कोई भी छोटी से छोटी इच्छा भी आप मतलब करोगे ना कि हाँ मुझे ये खाना है, मतलब ठीक है खाने का एग्जाम्पल एक छोटा मोटा ऐसे ही है, बट ऐसे डिजायर्स खत्म हो जाएगी तो आप कैसे जियोगे कैसे? ओके देखिए मतलब क्या होता है ना कि ये जो डिजायर्स है ना दीज आर बॉन्डेजेस और कैसे खत्म होगी दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन. ओके और खत्म होने के बाद कैसे जिएंगे दैट इज अनदर सेपरेट क्वेश्चन. ठीक है तो आपका क्वेश्चन कौन सा वाला है कि डिजायर खत्म कैसे करनी है या खत्म करके जिएंगे कैसे? हाँ दोनों कि खत्म करके जिएंगे कैसे और मतलब खत्म होगी तो फिर है ही क्या फिर मतलब लाइफ मतलब कैसे रहेंगे इतने सब लोगों के बीच में, खाली हम है कि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी जनता तो नहीं कर रही, या मतलब हमारे अंदर भी कभी तो वो फीलिंग आएगी ना अरे यार ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं हम ऐसा नहीं कर रहे. हाँ, कुछ तो आपके अंदर भी आएगा ना कभी भी. कोई जबरदस्ती नहीं है. ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अननेसेसरी देखिए वो बात जहां पर हम सेंस को रिस्ट्रेन करते हैं और रिस्ट्रेन करके हम सिर्फ इस डायरेक्शन में होते हैं कि नहीं नहीं अब मैं कपड़े भी पहनूंगा नहीं और मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और मैं किसी घर पे भी नहीं रहूंगा और हिमालय पे जाके मैं बैठ जाता हूँ. दैट इज द पाथ ऑफ योगीज. ठीक है और उस पाथ में ना बड़ी प्रॉब्लम्स है. ठीक है अभी हम उस श्लोक पे पहुंचे नहीं है बट वेन वी रीच 2.59 तो 2.59 अगर आप पढ़ोगे ना इट हैज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कैसे डिजायर को अपने आप कैसे जा सकती है. सो इट सेज रसवर्धम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते. यानी कि नॉर्मल जैसे हम लोग एक बच्चा होता है राइट उसको बैलून की डिजायर होती है.
अब वो बैलून के बिना तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप थोड़े साल बाद, आप 15 साल बाद उससे बोलेंगे, या मतलब मैं आपसे बोलूं कि बैलून चाहिए क्या आपको, सो यू विल से नहीं, आई डोंट हैव एनी डिजायर फॉर बैलून, राइट, बिकॉज नाउ यू फाउंड समथिंग विच इज वे बेटर देन दैट बैलून, राइट। 5 साल का या नहीं, 2 साल का बच्चा अगर फेरेक्स खाता है तो ठीक है, बट अगर 15 साल का बच्चा फेरेक्स नहीं मांगता, राइट, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फेरेक्स। सो क्या होता है ना कि जैसे अगर हमें हायर टेस्ट मिल गया, सो देन दैट लोअर टेस्ट गोज अवे ऑन इट्स ओन, ठीक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम डिजायरलेस, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू डू दैट आर्टिफिशियली, बट द डे वेन वी गेट दैट हायर टेस्ट, उस दिन ये लोअर टेस्ट की जो इच्छा है ना, वो अपने आप ही कम हो जाएगी और अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सो इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज है जो एक्सपीरियंस की जा सकती है, पर कब, जब हमारी प्रैक्टिस उस लेवल पे जाएगी। सो चैतन्य चरितामृत सेज कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, यानी कि ये जो ज्ञान है ना, ये पढ़ के समझ के किताब खरीद के नहीं सीखा जा सकता, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे अभी साक्षी माता जी शी वाज सेइंग कि मतलब समझ में नहीं आ रहा करंट जो चल रहा है, एंड एंड दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि चैंटिंग कैसी चल रही है आपकी, राइट। क्योंकि अगर हमारी चैंटिंग अच्छी चलेगी तो हमें ये नॉलेज अपने आप ही मिलेगा, ओके, ये नॉलेज अपने आप, नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ साल बाद इसी भगवद गीता को, इसी श्लोक को पढ़ोगे ना, तो आपको वो ज्यादा क्लियर होगा एज कंपेयर टू जो अभी समझ में आता है, ओके। तो इसलिए हमें सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड दिस नॉलेज डिटैचमेंट ऑल ऑफ दीज फॉलो, बिकॉज देन यू गेट द हायर टेस्ट एंड ऑन इट्स ओन इट विल हैपन, ओके। एंड एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट, राइट। आपको बलून की अभी डिजायर नहीं है, एंड यू डोंट फील द नीड फॉर इट ऑल्सो, राइट, कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ लाइफ में, आई मीन आई डोंट फील दैट एटलीस्ट, राइट। तो वाई इज दैट सो, ओके। या अभी जैसे अभी आई एम प्रैक्टिसिंग तो थोड़ा बहुत फर्क आया है, मतलब तो बहुत सारी चीजों में आई कैन फील दैट, हाँ बट नहीं, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था इतना कि बिल्कुल डिजायरलेस होना, मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल डिजायरलेस होना पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग जो है ना, सो वेदांत सूत्र सेज कि एज अ सोल, हम लोग सोल हैज द टेंडेंसी टू बी हैप्पी, ओके, आनंदमय आनंदमय अभ्यासात, ओके, ऐसा एक श्लोक आता है। सो व्हाट इट मींस इज कि हमारा आनंद के लिए ही हम, वी आर ऑल, वी ऑल वांट प्लेजर, ओके, दैट इज द अल्टीमेटिव, एंड वी हैव बीन सर्चिंग फॉर प्लेजर इन द रॉन्ग प्लेस, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, ओके। अब इसके लिए हमें वो प्लेजर मिलता नहीं है, और जो मिलता है ना, उसकी क्वांटिटी बड़ी थोड़ी मोड़ी सी होती है, जैसे एक हलवे में थोड़ी सी रेत डाल दें और फिर आपको खिला दें, राइट। सो यू विल गेट सम प्लेजर बट विथ दैट सैंड। सो अगर हमें प्योर प्लेजर चाहिए, राइट, द प्योर प्लेजर एज शास्त्रज एक्सप्लेन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय वन वे, एंड दैट वे इज कॉल्ड अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, यानी कि अगर हम भगवान अच्युत की, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, ओके। अब ये कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वॉट शास्त्र हैज एक्सप्लेन। सो दिस इज द नॉलेज, आई मीन पहले संबंध ज्ञान अभिधेय उसके बाद आता है, तो पहले हमें संबंध पे वापस से जाना होगा कि हम कौन है, राइट, वी गो बैक टू द फोर्थ सेशन ऑफ डिस्कवर योर सेल्फ, जहां पर हम बात करते हैं कि हम हैं कौन आखिर में, राइट, और हमें ये जो ट्रबल है ना यहाँ पर इस वर्ल्ड में, वो ट्रबल क्यों फेस कर रहे हैं हम यहाँ पर, वाई आर वी फेसिंग दिस, कितनी भी कोशिश करते हैं प्लेजर की, बट हमें वो प्लेजर मिलता नहीं है। सो वंस यू रियलाइज दैट एंड वंस यू टेस्ट दैट प्लेजर, तो फिर ये नीचे के लेवल की चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, एज आई सेड, राइट, कि वी डोंट फील लाइक प्लेइंग विद बैलून नाउ, राइट, जस्ट थिंक अबाउट दैट एग्जाम्पल, एंड वी डोंट फाइंड एनीथिंग बैड इन इट। नाउ कमिंग टू बिकमिंग डिजायरलेस, नो वी डोंट वॉन्ट टू बी डिजायरलेस, बट वी वॉन्ट टू हैव द राइट डिजायर्स, ओके, एंड इफ यू हैव द राइट डिजायर्स, सो एसेंशियली कैसा है ना, देखिए आपको ये कुछ खाली नहीं करना है, बट इसको सही चीजों से भरना है फिर से, राइट, एंड वंस वी आर एबल टू रिप्लेनिश इट विद द राइट थिंग्स, तो फिर ये जो रॉन्ग डिजायर्स हैं ये अपने आप चली जाती हैं। एम आई मेकिंग सेंस, पर ये एक प्रोसेस है, और ये आर्टिफिशियली करने वाली प्रोसेस नहीं है, या डेफिनेटली आई गॉट द पॉइंट। राइट। सो वी डोंट नीड टू ट्राई टू डू इट फॉर नो रीजन, व्हेन इट हैपेंस एंड देन यू विल बी हैप्पियर, द पॉइंट इज दैट उस समय आपको, ग्रेजुअली हाँ इट विल हैपन। या हाँ एंड एंड यू विल बी हैप्पियर एट दैट पॉइंट, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है, यू विल करेक्ट। बी मोर देन हैप्पी टू टू गेट ऑल ऑफ दिस, टू हैव दैट प्लेजर दैट यू आर गेटिंग, राइट। एनी अदर क्वेश्चन?
थैंक यू ब्रो। थैंक यू. ऑल राइट. या इफ एनीबडी हैज आई डोंट नो इफ आई इफ थिंग्स आर गोइंग ओवर योर हेड या कैसा चल रहा है, मुझे कभी कभी सेंस नहीं आता ऑनलाइन वर्ल्ड में, बट एटलीस्ट इन द इन पर्सन आई एम एबल टू समवट फिगर आउट लोगों का फेस देख के कि ओके, लोग शांत हो गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है, बट यहाँ पर सभी शांत होते हैं. सो इसलिए कीप आस्किंग. आई मीन लाइक यू नो इट्स ओके इफ यू गो स्लो एंड इट्स ओके, बट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर लाइक विच वी आर गोइंग थ्रू. बट एट द सेम टाइम थोड़ा इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट वी रीच दिस स्टेज ऑफ स्थित प्रज्ञ इन डे वन. ओके, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. नंदलेस वी विल स्टार्ट एंड प्लीज स्टॉप मी जहां पर भी कोई क्वेश्चन हो तो. ओके, सो एज वी ऑल नो वी आर इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइट, जो कि 2.54 से 2.72 है. एंड दैट सेक्शन इज अबाउट स्थित प्रज्ञ. ठीक है, और दिस इज द सेक्शन जहां पर अर्जुन आस्क्स अ क्वेश्चन कि ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे चलता है, कैसे लोगों के साथ मिलता जुलता है, थिंग्स लाइक दैट. राइट, दिस क्वेश्चंस आर वेरी क्रिप्टिक और भगवान उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. एंड एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लर्न एंड रियलाइज कि ओके, हम किसी को देख के कैसे समझ सकते हैं या इनफैक्ट हम अपनी लाइफ में इसे कैसे उतार सकते हैं. एंड एज आई सेड कि हाँ, डे वन से पॉसिबल नहीं है, बट सम ऑफ द थिंग्स कैन स्टिल बी प्रैक्टिस एंड एटलीस्ट वी नो कि कैसे प्रैक्टिस करना है. सो एनीवेज, आज कुछ प्रैक्टिकल वर्सेस की बात करेंगे जो कि और भी समझ में आएंगी. एनीवेज, दीज वेर द क्वेश्चन, राइट, कि व्हाट आर हिज सिम्टम्स, हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक. ठीक है, सो इनमें से कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की है ऑलरेडी. व्हाट आर ही सिम्टम्स की, जैसे कि ओके, हाउ डज ही स्पीक, और हम इस सेक्शन पे हैं अभी एंड वील टॉक. सो एनीवेज, सो द रिवीजन, बिकॉज मुझे पता है कि 2 हफ्ते का गैप हो गया एंड इट लुक्स लाइक कि लास्ट लाइफ में हमने कभी कुछ सुना था या ऐसा कुछ हो जाता है. राइट, सो व्हेन ही सेज कि हाउ द सेज ऑफ स्टडी माइंड स्पीक्स, राइट, व्हाट डज इट मीन? एनीबडी, प्रभु जी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया. प्रभु जी, इसमें हाँ मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में मतलब बोला गया है, स्पेशली कैसे बोलना चाहिए, स्थित कैसा रहना चाहिए। ओके, लेकिन बोलना इस बोलना से कुछ ज्यादा है क्वेश्चन ये, क्योंकि भगवान जब इसका आंसर करते हैं तो सिर्फ बोलने के बारे में नहीं बोलते हैं कि वो मीठा मीठा बोलता है या सच बोलता है, ऐसी बातें नहीं करते हैं. कैन आई से समथिंग प्रभु जी? हाँ, इज इट मीन के इक्वो पॉइज मीन्स के आप किस सिचुएशन में अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप उस सिचुएशन में आप कैसे रहते हो और कैसे हैंडल करते हो, और खुशी का है तो वो कैसा रहता है सेज की, जब बहुत खुशी होती है तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करता, ओके, इस तरह से कुछ है। हाँ, समथिंग ऑन दिस. या एग्जैक्टली, टेक्निकली ये है कि उसका इंटेलिजेंस और उसके वर्ड्स दोनों, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हाँ, स्थित प्रज्ञ करेक्ट माता जी, सेज ऑफ स्टडी माइंड, तो स्थित प्रज्ञ कैसे कैसे बोलता है, क्वेश्चन ये था. राइट, तो उसका आंसर जिस तरह से भगवान देते हैं तो वो ये बताते हैं कि इंटेलिजेंस उसका और उसके वर्ड्स अफेक्शन में, एंगर में और न्यूट्रलिटी में, मतलब कभी कुछ अच्छा हुआ, किसी ने प्यार से बात की, किसी ने गुस्से से बात की, या फिर किसी ने नॉर्मल रहा उसके साथ, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका इंटेलिजेंस और उसके वर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाट इट मींस बाय कि उसका वो हाउ डज ही स्पीक. ठीक है, सो एनीवेज, जस्ट टू रिमाइंड द होल थिंग कि हम क्योंकि इसी सेक्शन में हैं. सो अभी एक एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था कि अपने आप में ही वो हैप्पीनेस खोजता है. राइट, ही फाइंड्स हैप्पीनेस इन सेल्फ अलोन. नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या वो अकेला बैठे बैठे हंसता रहता है, या हाउ डज ही फाइंड हैप्पीनेस इन सेल्फ? नो, ही इज व्हाट सेटिस्फाइड, वॉट एवर ही हैज, ही इज सेटिस्फाइड दैट द मर्सी ऑफ गॉड, एंड ही इज जस्ट कंटेंट इन दैट। ओके, या ओके, क्लोज टू दैट, मतलब एग्जैक्टली और भी कुछ है यहाँ पर कि ही इज एक्चुअली हाउ. फोकस्ड, वो उसका फोकस रहता है एक चीज में भगवान के प्रति या उस एनलाइटमेंट के तरफ, और वो उसको पाने में ही इतना ज़्यादा एकाग्रचित होता है कि उसको और चीज़ें दिखती नहीं है। तो वो उस एक एक जैसे जैसे एक एक दिन उसके क्लोज जाता रहता है, वही उसके लिए सेल्फ हैप्पीनेस रहती है,
और ओके उसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। ओके नहीं, लेकिन वो हैप्पीनेस भी रहता है मतलब। प्रभु हाँ के मतलब वही एक हैप्पीनेस है उसके लिए। ओके हाँ ओके, तो आप बोल रहे हो कि मतलब वो लगा रहता है। और मधु माता जी ने भी कुछ बोला है कि सेटिस्फाइड द सेंसेस ऑफ लॉर्ड बाय विच हिज ओन सेंसेस आर सेटिस्फाइड। या दैट्स ऑल्सो प्रभु क्लोज, जी, एक्चुअली हम बहुत आसपास हैं उसके। यहाँ बोलिए। प्रभु जी मतलब कि तब तक मतलब ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो भौतिक स्तर पे जो मतलब एंजॉयमेंट है उसका जो स्तर है वो मतलब जितना आवश्यक है उतना ही रहता है। जो आत्मा को जो मतलब खुशी मिलती है जो भक्ति करने में, तो वो बढ़ जाती है। वो असल में मतलब जो ABCD फॉलो करके मिलता है, इसीलिए वो खुश रहता है अपने आप में ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन समझ में आ जाती है कि ही सपोज टू सर्व द गॉड लॉर्ड, एंड बाय डूइंग दैट ही फील सेटिस्फाइड। राइट, हम जो बात कर रहे थे ना कि कैसे जिएंगे हम अगर डिजायरलेस हो जाए। नहीं, डिजायरलेस होके भी खुश रह सकते हैं, बिकॉज जो सोल है गोइंग बैक टू द फोर्थ एंड फिफ्थ सेशन ऑफ डिस्कवर योर सेल्फ। राइट, हमने ये बात की थी काफी साल पहले कुछ लोगों के साथ, और कुछ के साथ में भी नहीं की थी, बट पॉइंट ये है कि हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी नेचुरल पोजीशन है जो सोल की, वो भगवान की सेवा करना है, और हमें उससे ही एक्चुअली हैप्पीनेस मिलती है। राइट, और कोई भी और तरीके से, चाहे आप एक एक फिश को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो और उसे आ, 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 खाने को कुछ अच्छा दे दो, काफी सारे पैसे दे दो, कुछ एक लेडी फिश भी दे दो, बट इट विल नॉट बी हैप्पी। राइट, बिकॉज वो फिश का नेचुरल पोजिशन इज टू बी इन द वॉटर। राइट, सो सिमिलरली वी एज अ सोल, अवर नेचुरल पोजिशन इज टू सर्व द गॉड, एंड वेन दिस पर्सन रियलाइजेस कि उसका नेचुरल पोजिशन जो है वो सर्विंग द लॉर्ड है, तो वो अपने आप में ही हैप्पीनेस मिलती है उसको। राइट, तब उसे कहीं बाहर हैप्पीनेस खोजने की जरूरत नहीं होती है। लाइक हम लोग का क्या सिचुएशन है, हम लोग बाहर अपनी हैप्पीनेस खोजते हैं, बट एक स्पिरिचुअलिस्ट जो होता है वो अंदर खोजता है हैप्पीनेस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मटीरियलिस्टिक पर्सन एंड अ स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन। राइट, सो करेक्ट कि ही अंडरस्टैंड हिज नेचुरल पोजिशन, एंड बाय सर्विंग द गॉड ही एक्चुअली फाइंड द हैप्पीनेस देयर। ही डजेंट डिजायर एनीथिंग एल्स। जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारी डिजायर जीरो हो गई तो हम कैसे जिएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विल बी हैप्पियर द डे व्हेन व्हेन दैट हैपेंस, वी आर नॉट देयर येट, जस्ट दैट। ओके, एनीवेज आई होप इट इज क्लियर। राइट, यस प्रभु जी, इट्स ओके, सो अभी नेक्स्ट जो हमने एक बात की थी लास्ट टाइम कि जो सेज ऑफ स्टडी माइंड होता है वो सुख और दुख को कैसे टॉलरेट करता है, तो हाउ डज ही डू दैट। एनी थॉट्स? सेम प्रभु जी। माय थॉट प्रोसेस इज कि वो इक्विपॉइज पोजीशन में है, कि उसको ज्यादा सुख से भी सुखी नहीं होता, बहुत खुश भी नहीं होता, और ज्यादा दुख से भी बहुत दुखी नहीं होता। बिकॉज ही सर्विंग गॉड, इज हैप्पी, वॉट एवर ही हैज, ही नोज दैट द मर्सी ऑफ गॉड। ओके ओके, बट ऐसा प्रभु जी होता। यहाँ हाँ पे, बोलिए बोलिए। हाँ, जो श्लोक है ना, मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय, तो फिर यहाँ पे जो है सुख दुख जो जो है वो खाली भौतिक स्तर पे है, उसको आना है जाना है। और वो मतलब कि हमारे जो जो आत्मा है उसके ऊपर उसका एक्चुअली इफेक्ट नहीं होता है, तो हमको उसमें स्टेबल रहना चाहिए। और अगर दुख भी आ गया तो वो खाली मतलब अपने कर्मों के अनुसार ही मिला है, और वो भी कम मिला है क्योंकि हम भक्ति में आए हैं, तो ऐसा सोच के हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। करेक्ट, देखिए सेज ऑफ स्टडी माइंड कोई आसमान से उतरे लोग नहीं होते। ओके, दे आर पीपल लाइक अस। ओके, एंड बाय प्रैक्टिसिंग दे रीच दैट स्टेज, एंड व्हेन दे रीच दैट स्टेज, तो एक भक्त का क्या सोच का तरीका होता है कि मतलब अगर कुछ सही हुआ तो देन दे विल से कि अरे ये भगवान की मर्सी है, ये कृष्णा की मर्सी के कारण जो भी हुआ अच्छा हुआ। और अगर कुछ बुरा होता है तो देन दे थिंक कि अरे मेरे साथ इससे बुरा होने वाला था, बट मुझे सिर्फ टोकन रिएक्शन मिला है थोड़ा सा, और उसके कारण आई एम सेव। राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो इसलिए वो सुख और दुख में हम क्यों क्यों टॉलरेट नहीं कर पाते, हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि सुख और दुख को टॉलरेट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि अरे इट बूस्ट अवर ईगो, एंड वी थिंक कि अरे मैं बड़ा आदमी हूँ इसलिए मुझे मेरे साथ ही अच्छा हुआ। राइट, क्योंकि मैं भला आदमी हूँ इसलिए अच्छा हुआ, या फिर दुख आया तो बोलते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। राइट, सबके साथ अच्छा होता है। सो बट दिस पर्सन ही थिंक्स द अपोजिट, ही थिंक्स कि नहीं, मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, जो भी अच्छा हुआ सब भगवान की मर्सी से हुआ है। सो इसलिए एट दैट टाइम ही डजेंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और वो
ईगो में और बाकी सारे अनर्थों में फंसता नहीं है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेज ऑफ स्टडी माइंड एंड अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस, लाइक मी, राइट? सो दैट पर्सन इज एंड दैट्स व्हाई ही इज एबल टू रिमेन इक्विपाइज्ड. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है. इफ यू अंडरस्टैंड कि गॉड इज इन कंट्रोल और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब बाई चांस नहीं हो रहा है. हमने इसको अगेन डिस्कवर योर सेल्फ में कभी बात की थी कि नथिंग हैपन्स बाई चांस, राइट? सो जो हो रहा है वो इट्स अ प्लान, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर कृष्णस प्लान, राइट? एंड वी आर जस्ट जस्ट द पॉन्स इन दैट इन द गेम, राइट? सो इट डजेंट मैटर जो भी हो रहा है, इट्स ऑल फाइन, एवरीथिंग इज गुड दैट वे. ओके, रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टोरी. इनफैक्ट आई डोंट नो अगर आपने सुनी हो, एक किंग था, उसकी उसके एक मंत्री था, जो भी कुछ होता था वो बोलता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है? एक बार किंग गॉट वेरी एंग्री अबाउट इट. ही सेड कि कुछ तो करना होगा, जो भी होता है उसके लिए बोलता है कि अच्छा ही हुआ. एक बार किंग की उंगली कट गई और मंत्री को बताया कि मेरी उंगली कट गई है. मंत्री ने बोला कि हाँ हाँ जो होता है अच्छा ही होता है. एंड द किंग वॉज सो एंग्री कि उसने मंत्री को जेल में डाल दिया. एंड आफ्टर फ्यू डेज ही वेंट टू फॉरेस्ट, किसी शिकार करने के लिए गया वो अपने एक और मंत्री के साथ. और जब वो गया वहां पर तो वहां पर उसे कुछ डकैत्स ने पकड़ लिया. एंड दोज पीपल दे वर वर्शिपिंग सम गॉडेस और उनका प्लान ये था कि वो बलि देना चाहते थे, तो उन्होंने राजा को लेकर गए बलि देने के लिए. एंड वेन दे वर अबाउट टू डू दैट सेक्रीफाइस तो उन्होंने देखा कि इसकी उंगली कटी है. और डकैत्स वॉन्टेड टू सेक्रीफाइस जो कि पूरी तरह से कंप्लीट ह्यूमन हो. अब क्योंकि उसकी उंगली कटी थी तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये कंप्लीट ह्यूमन नहीं है पूरी तरह से, तो हम इसकी बलि नहीं देंगे, और उन्होंने उसको छोड़ दिया. एंड देन द किंग रियलाइज किया अरे जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, राइट? सो एवरीथिंग इज गुड एंड इट्स ऑल हैपनिंग एज पर कृष्णस प्लान, जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर, इसलिए हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है. सो दैट पर्सन आई मीन अ डिवोटी हु रियलाइजेस कि ऐसा सब कुछ भगवान के प्लान के हिसाब से हो रहा है, ही डजेंट गेट डिस्टर्ब वेदर एनीथिंग गुड हैपन्स और बैड हैपन्स, राइट? डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, ओके, ऑल राइट. या सो वी कैन एनी अदर क्वेश्चन और वी कैन स्टार्ट विथ दिस वर्स. हमने इसकी आधा डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स वॉज स्टिल पेंडिंग, राइट? सो आई लेट मी रिसाइट इट. दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते. सो व्हाट वी डिस्कस सो फार इज फर्स्ट टू लाइंस, दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगता स्पृहा. सो अब ये लास्ट की जो दो लाइन है ना, वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते, सो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं. एसेंशियली व्हाट इट मीन्स इज ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, ओके? एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड सेज ऑफ स्टडी माइंड. सो अटैचमेंट फियर और एंगर ये तीन चीजें उसे नहीं होती है, राइट? सो इनफैक्ट परपोर्ट अगर हम देखेंगे ना, अगर आप देखोगे परपोर्ट में लास्ट से आई थिंक 6-7 लाइन ऊपर है, या 7th बिफोर 7 लाइन्स, देर इज समथिंग कॉल्ड नाउ 7 मोर देन दैट आई थिंक. एंड फॉर द नो इट्स मोर देन 7, इट्स 9th लाइन फ्रॉम द बॉटम एटलीस्ट इन माई भगवद गीता. सो इट सेज एंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई अटैचमेंट एंड अवर्जन. यानी कि वो भगवान की सेवा में हमेशा ही एक्टिव रहता है और उसे अटैचमेंट और अवर्जन नहीं होता, ठीक है, कभी भी. सो नाउ वॉट प्रभुपाद सेज हेयर इज कि अटैचमेंट और अवर्जन के कारण आप अपनी सेवा नहीं कर पाते हो अच्छे से, ठीक है? सो एनीवेज आई एक्सप्लेन वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सडनली इन दिस सेकेंड पार्ट, बट लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे को ये अटैचमेंट और अवर्जन के कारण हम सेवा क्यों नहीं कर पाते? ऐसा कुछ है क्या कि मतलब अगर आपको अटैचमेंट होगा और ये अवर्जन, आई होप दैट दोज वर्ड्स आर क्लियर, राइट? वी आर नॉट एबल टू डू अवर सर्विस, भगवान की सेवा भी नहीं कर पाते हम अगर हमें अटैचमेंट और अवर्जन होता है तो ऐसा क्यों होता होगा? So what does aversion means? एवर्जन मीन्स लाइक यू नो वी आर इट्स अ अपोजिट ऑफ अटैचमेंट, राइट? यू नो दैट वी डू नॉट, वी जस्ट ट्राई टू गो अवे फ्रॉम समथिंग,
समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइक वी जैसे डोंट लाइक डूइंग समथिंग. पसंद नहीं आता है, वेश बोल सकते हैं। हाँ, किसी चीज का डिसलाइक होना और वो पसंद नहीं आना, राइट. सो या तो किसी चीज से अटैचमेंट होगा या कोई चीजें पसंद नहीं आएंगी, इसके कारण हम सेवा नहीं कर पाते. तो क्यों होगा ऐसा? मतलब पहले अटैचमेंट समझते हैं. हाँ So, Prabhuji, might be we give more preference to material things than serving God. ओके ओके. हाँ, मटेरियल अटैचमेंट इज वन थिंग, इवन स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी होते हैं, ठीक है, एंड दे आर बिगर प्रॉब्लम्स समटाइम्स. प्रभु जी, ये दो ऐसी चीजें हैं कि वो अपने मतलब मन से कभी दूर जाती ही नहीं है। जैसे हमको कोई अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है, तो वो घूमते रहती है। जैसे कि अभी हम नामस्मरण कर रहे तो भगवान के प्रति रुचि आ गई, तो वो हमेशा हम कुछ भी देखेंगे तो हम उसको भक्ति भाव के मतलब कि प्रेम पूर्वक हम उसको सोचेंगे, ऐसा होता है। या फिर अगर किसी चीज की या व्यक्ति के लिए एवर्जन या द्वेष उत्पन्न होता है तो भी मतलब मन उसके बारे में ही सोचता रहता है कि उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, मतलब कि उसका अच्छा नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं। ये उदाहरण हम देख सकते हैं कि रावण का देख सकते हैं, हिरण्यकश्यपु का, कंस का, वो भी भगवान को हमेशा स्मरण करते थे लेकिन अलग भाव से। करेक्ट करेक्ट. यस, यू आर राइट मतलब. सो एग्जैक्टली दैट इज पार्ट ऑफ द मटेरियल अटैचमेंट और अवर्जन दैट वी गेट, और उसके कारण हम कर नहीं पाते. So, बट probably one question. You told spiritual attachment is a bigger concern, right? Why is it like this? हाँ, सो ओके. सो बेसिकली थिंक अबाउट इट लाइक दिस. अगर हम बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी हम अपनी सर्विस को लेके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है, और ऐसा होता है कि बस इतना ही, मतलब यू नो जितनी कर पा रहे हैं बस काफी है. अभी जो हमारा करंट लेवल होता है ना सर्विस का, उसमें आसक्ति हो जाती है कि और उससे जो प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, उससे भी आसक्ति हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ एनी सिंपल सर्विस, लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कुकिंग करते हैं, कोई सपोज कुकिंग करना करते हैं और सर्व करते हैं लोगों को. अभी कुकिंग आप सर्व करते हो, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको और बहुत सारी तारीफ भी है, बहुत अच्छी बात है. अभी इसके बाद कोई बोलेगा कि अरे प्लेट्स भी धो दो, राइट? आई मीन समबडी विल बी लाइक, नहीं, कुकिंग तक ठीक है पर ये प्लेट वेट नहीं धोएंगे, क्योंकि इसमें कुकिंग की तारीफ भी मिलती है. प्लेट धोएंगे उधर कोने में मंदिर में जाके, कौन तारीफ करेगा, राइट? सो यू गेट अटैच टू वन वन सर्विस. तो सेवा से भी आसक्ति हो जाती है, और सेवा से जो मिलने वाला मेवा है उससे भी आसक्ति हो जाती है. लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल, मतलब इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर गृहस्थ, बट मान लो एक गृहस्थ कहीं पर एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट, राइट? अभी और सडनली किसी ने बोला कि नहीं, मंदिर से बोला कि अरे आप यहाँ पर कर रहे हो लेकिन आप यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ और वहां पर जाके प्रोग्राम करो. दिस हैपन्स विद ब्रह्मचारी अलॉट, बट नॉट विद गृहस्थ. बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो द प्रॉब्लम विल बी कि अरे हमारा दूध वाला, हमारा सब्जी वाला, हमारा प्रोग्राम, राइट, कैसे यहाँ से छोड़ के चले जाए, बिकॉज यू आर अटैच टू दैट दैट थिंग. वट एवर सर्विस यू आर डूइंग राइट नाउ, यू गेट अटैच टू इट, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाना नहीं चाहते हो, राइट? सो प्रभुपाद ने बोला था एक बार कि मतलब प्रभुपाद सेड कि मैं बहुत ही कंफर्टेबली वृंदावन में रह रहा था, ठीक है, और जब मैंने वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर लोग रिटायर होने के बाद लोग जाते हैं और वहां पर रहते हैं, राइट, बट आई लेफ्ट दैट वृंदावन एंड आई वेंट टू अमेरिका एंड टुक सो मच ट्रबल, राइट? और एंड ही सेड कि अगर मैं वृंदावन में रह जाता ना तो दैट वुड हैव बीन लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओके, इंद्रिय तृप्ति के समान है, मतलब उनके हिसाब से वृंदावन में रहना. सो दैट इज द काइंड ऑफ अटैचमेंट वी हैव टू हैव विथ द सर्विस, राइट? सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है कि हाँ हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सर्विस के लिए, अगर मुझे कुकिंग करनी है या जो भी प्लेट धोनी है, जो भी करना है, लेकिन नॉट अटैच टू इट, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड आउट, आई मीन इनफैक्ट दैट क्वेश्चन आई हैड, लाइक यू नो हाउ दैट हाउ डू आई नो कि मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी सर्विस के लिए लेकिन अटैच नहीं हूँ, राइट? हाउ डू यू फाइंड आउट कि मतलब मैं अटैच नहीं हो गया हूँ, जो भी करंट जो भी मैं कर रहा हूँ स्पिरिचुअली उसके लिए अटैच नहीं हूँ. हाउ कैन यू फाइंड दैट आउट? एनीबडी, एनी थॉट्स? मैं आई प्रभु जी। यस यस. हाँ, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के मतलब सोच सकते हैं। जैसे ऑफिस में हम काम करते हैं तो फिर
मतलब वो जो होता है वो ऑफिस का काम रहता है, तो वैसे ही ये जो है वो हमको मतलब हमको भगवान को खुश करने के लिए ही करना है, ऐसा सोच के कर सकते हैं। और उसको उसका तो हमको मतलब फल मतलब जो भगवान के प्रति अर्पित करके ही करना चाहिए। सही बात, सही है माता जी। लेकिन होता बस ये है ना कि हम लोग अभी उस लेवल पे होते नहीं है, वी आर नॉट एट बुद्ध योग लेवल। और उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा तो अंदर चला जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जब वो छोड़ने को कोई बोलता है ना, तो नहीं, मेरा मेरा सर्विस है, कैसे मैं किसी के साथ शेयर करूं, राइट? एंड दीज थिंग्स हैपन, दीज आर रियल रियल वर्ल्ड थिंग्स, ओके? एंड दे कैन हैपन, राइट? इनफैक्ट एल्सवेयर इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, समडे सम टाइम इन द लाइफ वी मे डिस्कस दैट, वहां पे रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स इट, लाइक यू नो, इनफैक्ट माधुर्य कदम्बिनी में भी इट्स एक्सप्लेन। सो एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज कि वी ऑल्सो गेट सम अनर्थास, एंड वी गेट अनर्थास व्हेन इवन आफ्टर ग्रोइंग इन भक्ति, आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्विस ऑल्सो वी गेट अनर्थास, एंड दोज अनर्थास ओनली कम जब हम लोग भक्ति में काफी समय हो गया होता है, ठीक है? और एंड दोज अनर्थास आर ऑफ दिस टाइप, जहां पर आप पूजा मान और प्रतिष्ठा के लिए फंस जाते हो उसमें जाके, एंड इट्स वेरी वेरी नॉट सो अनकॉमन, ठीक है? सो गेटिंग डिटैच्ड, यस, थ्योरिटिकली यस वी शुड बी, बट वी कैन गेट कॉट, ओके? सो द वे टू डिटरमाइन कि हम फंस तो नहीं गए, राइट? अगर हमसे अभी कोई बोले कि नहीं छोड़ दो, राइट, स्टॉप डूइंग दिस, आर वी रेडी टू स्टॉप इट, आर वी ओके विद डूइंग इट, राइट? इफ वी आर ओके देन यस वी आर नॉट अटैच टू इट, ठीक है? दैट्स वन लिटमस टेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं कि ओके, क्या हम छोड़ने को तैयार हैं ये सर्विस। ये चीज, ये प्रॉब्लम शुरू में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम बाद में आती है, जब आप सच में कोई सर्विस कर रहे हो, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, आप अच्छे से भी कर रहे हो और सब कुछ अच्छा अच्छा है, राइट? एंड समबडी सेज कि नहीं, ठीक है, छोड़ दो, राइट? देन दिस थिंग कम्स, देन दिस प्रॉब्लम कम्स, राइट? सो एनीवेज, सो द पॉइंट इज दैट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, एज आई सेड, राइट? कि जैसे फेरेक्स खाता है बच्चा छोटी एज में, बट इसका ये मतलब नहीं कि 18 ईयर्स के बाद भी वो फेरेक्स खाएगा। सो आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट। आई नो फॉर सम इट मे नॉट बी अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट स्पिरिचुअल अटैचमेंट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। Prabhu ji, sorry, but this point somehow was not clear because we have seen so many examples जहाँ पे जो अब जैसे भक्तों की बात करें जो कि सेवा करने में लगे हुए, I'm sorry, maybe if I'm going wrong, please correct me. तो सेवा करने में लगे हुए हैं और उनसे कई बार कहा जाता है या ऐसे हमने स्टोरी सुनी है जहाँ पे भगवान खुद आए और उन्होंने बोला कि नहीं ये सर्विस छोड़ दो, लेट मी हेल्प यू आउट, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आई हैव टू डू बिकॉज दिस इज माई सर्विस टू द लॉर्ड। सो अटैचमेंट इज इट ऑलवेज बैड और मे बी आई एम परसीविंग इट इनकरेक्टली? नहीं, सी अटैचमेंट इज ऑलवेज बैड, ठीक है? इट इज, इट डिपेंड्स, देखिए आप क्या कर रहे हैं ना, मैंने पहले भी बोला हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्यों कर रहे हैं ना उस पर बहुत बहुत मैटर करता है, राइट? सो कब, इट डिपेंड्स, इट्स अ केस टू केस बेसिस, ओके? मतलब ऊपर से आपको दोनों का बिहेवियर सेम लगेगा कि हाँ इस आदमी ने भी मना कर दिया और वो एक डिवोटी थे, उसने भी मना कर दिया, राइट? बट द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट कैन कम टू माई माइंड फॉर वॉट यू आर सेइंग इज दैट कि अरे देर आर डिवोटीज हु सेड कि नहीं नहीं वी डोंट वॉन्ट टू गो टू वैकुंठ, वी वॉन्ट टू बी हेयर एंड सर्व द डिवोटीज, ओके? एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो लाइक व्हेन चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड सम ऑफ द डिवोटीज, राइट, देन वन ऑफ द डिवोटीज said I think Vasudev Datta said ki nahi nahi I do not want anything from you, I mean like you know I want ki mujhe sare sin mil jaye yahan par, is pure earth mein jitne bhi log hai na sabke sin mujhe de do, I do not want anything extra from you, right? He was ready to take that much and suffer so that others get liberated. So yeah, it depends, it may sound like ki similar si cheeze ho rahi hain, but difference bas ye hai ki agar hamare man mein ye फीलिंग आ रही है, राइट? और ये चीजें बड़ी सटल होती हैं कि अगर इफ वी स्टार्ट इंजॉइंग द प्रेस दैट वी आर गेटिंग इन द सर्विस, राइट, देन यू आर इन अ रॉन्ग रॉन्ग प्लेस, वी शुड नॉट बी देयर, ठीक है? इफ यू रियली, जैसे कि माता जी वाज सेइंग कि इफ यू आर रियली इनटू कि हाँ हाँ हम ये जो कर रहे हैं ना ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हम गुरु के लिए कर रहे हैं, ये जो सर्विस है, एंड देन इट्स ओके,
तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर गुरु आके बोलते हैं कि छोड़ दो, तो आर वी रेडी टू लीव दैट? राइट, दैट इज द पॉइंट. और विल वी ऑब्जेक्ट अबाउट इट? सो व्हाट दोस ग्रेट डिवोटीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग दैट बिकॉज बिकॉज फॉर देम सर्विंग द डिवोटीज इज अ बिगर कंसर्न. राइट, सो दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट दैट पार्ट ऑफ द सर्विस. एम आई मेकिंग सेंस? या देर इज समबडी हु रेज द हैंड, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. या सो इन दीज सिचुएशंस व्हेन वी डू द लिटमस टेस्ट एंड वी फेल एंड वी फाइंड दैट वी आर अटैच्ड, व्हाट शुड वी डू? Yeah, we should, what we should do is like, you know, we need more practice. So basically, होता क्या है ना कि there are multiple stages that we go through, all of us go through. It's a way of growing in devotion, ठीक है? And it doesn't happen in one day, ठीक है? So we learn and we grow. That's the process. And by our practice, we grow. By our hearing, we grow. राइट, अगर हम सही सोर्सेस से सुन रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस सही रख रहे हैं, तो वील ग्रो फॉर श्योर. राइट, सर्विस हैज टू बी डन, बट एज आई सेड कि सर्विस में ये एक इशू आने का डर होता है. तो अगर हमें ये पता चलता है कि हाँ ठीक है, वी आर अटैच्ड टू द सर्विस, देन वी अंडरस्टैंड कि वी आर इन द रॉन्ग प्लेस, वी हैव टू बी रेडी टू डू दैट. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है. आप सिर्फ जैसे सागर के किनारे, मतलब देर आर सम बोट्स राइट विच आर देयर, इधर से उधर वेव्स में हिल रही होती है, बट वो जाती नहीं है बीच में. एंड सो वी आर लाइक दैट. हमें लग रहा है कि अरे बहुत सारा पानी चल रहा है हमारे नीचे, इट्स गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, बट यू आर नॉट ग्रोइंग. राइट, सो टू बी एबल टू ग्रो, वी हैव टू कट दीज टाइज, एंड देन ओनली द बोट कैन प्रोसीड. तो आगे जाने के लिए वो टाइज कट करना जरूरी है, वो रस्सी काटनी पड़ेगी हमें. दीज अटैचमेंट्स आर नॉट गोइंग टू टेक अस फार. देखिए, अगर भगवद गीता आप देखोगे, तो भगवद गीता जो शुरू भी होती है, पहला जो श्लोक है, वो अगर आप समझोगे उस पहला श्लोक का मतलब क्या है, तो पहला श्लोक किसी भी शास्त्र का ना, उसका एक तरह से थीम बताता है, किसी भी शास्त्र का. दिस इज अ कॉमन पैटर्न कि पहला श्लोक हमेशा उसका थीम होता है, और आखिरी श्लोक जो होता है ना, वो उसका समरी होता है, वो उसका कंक्लूजन होता है एक तरह से. सो पहला जो श्लोक है इसका, वो बताता है कि धृतराष्ट्र किस तरह से अटैचमेंट में फंसा हुआ है. राइट, और अपने बेटों को और पांडु के बेटों के बारे में बात कर रहा है. ही सेइंग कि मतलब अरे मेरे बेटों का क्या हुआ, पांडु के बेटों का क्या हुआ, वॉर में क्या हुआ, कौन जीता, वॉर हुई कि नहीं. सो ही इज कंसर्न बिकॉज ही इज अटैच्ड, एंड दैट शोज कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इविल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. और उसी अटैचमेंट में अर्जुन जाके फंस जाते हैं फिर, और उनको उस अटैचमेंट से निकालने के लिए भगवान को ऑल द वे ही हैज टू टेक हिम 12-18 चैप्टर्स. राइट, सो दैट इज द थीम ऑफ दिस बुक. राइट, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अटैचमेंट इज इविल इन इन In all the circumstances, it is bad. ठीक है, we are stuck here in this world because we are attached. ठीक है, अगर हम attached नहीं हो, अगर अगर for example, as I say, right, कि attachment की बात करेंगे, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि अरे आज रात को वैकुंठ का विमान आएगा और आपको लेके जाएगा, आर यू रेडी? राइट, क्योंकि हर कोई अभी यहाँ पे वैकुंठ जाना चाहता है. राइट, दे वॉन्ट वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड. बट अगर हम बोलें कि अगर आज रात को आप जाने को तैयार हो क्या, कितने सारे अटैचमेंट आएंगे आपके. राइट, अरे मेरा बच्चा छोटा है, मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, घर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें. आई एम नॉट रेडी टू गो टू वैकुंठ. राइट, सो आर वी रियली आई मीन आर वी रियल आई मीन आर वी टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग? सबको जाना है वैकुंठ, लेकिन कब जाना है? आर यू रेडी टू डू दैट? क्योंकि आज से 20 साल बाद भी कोई ना कोई अटैचमेंट होगा. वेन वील गो टू 80 या 90 ईयर्स, तब भी अटैचमेंट होगा. सो दिस अटैचमेंट इज इविल फॉर एग्जाम्पल फॉर एंड दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं. ठीक है, सो इट साउंड्स लाइक बैड थिंग, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट. डज इट मेक सेंस? और मैंने कुछ और ही बता दिया आपको, द क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स. वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट. हाँ, या सो बेसिकली लाइक इफ अ सर्विस इज गिवन बाय अ गुरु एंड वी आर डूइंग इट एंड वी गेट अटैच्ड टू इट, देन वी शुड एक्सप्लेन टू द गुरु दैट वी आर अटैच्ड टू इट, प्लीज चेंज द सर्विस. वुड दैट बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? यस यस, दैट कुड बी. एंड हाउ डू यू डिटरमाइन इट? अगर आपके गुरु ने बोला कि आप छोड़ दो, ऐसा कुछ कर दो, तो आर यू रेडी टू लीव इट एट दैट टाइम? राइट, आई मीन यस, करेक्ट. यू शुड टेक दैट एक्शन, यू शुड टेक सम एक्शन अगर आप स्टक हो गए उसमें तो. डेफिनेटली, ओके. इनफैक्ट इट्स अबाउट ऑल्सो इंप्रूविंग अवर प्रैक्टिस. अगर हम अपनी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, हम बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, तो उससे भी आप एक्चुअली इस अटैचमेंट से बाहर आ जाते हो. ओके, दिस इज वन ऑफ द अनर्थस
और ये अनर्थास के लिए स्पेसिफिक इलाज हरे कृष्ण महामंत्र है, ठीक है? इफ डन प्रॉपरली इट डेफिनेटली टेक्स अस आउट ऑफ इट, ठीक है? यू डोंट गेट इनटू अटैचमेंट लाइक दिस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। प्रभु जी, हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम कोई सर्विस कर रहे हैं और हमको किसी मतलब उसके पे अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन मतलब हमको उतना ही नम्र बनना चाहिए, उतना ही हम्बल बनना चाहिए कि ये मेरी वजह से नहीं, ये तो मतलब जो भी है क्रेडिट वो मतलब मेरा मेरे जो गुरु है और आप सबके आशीर्वाद ब्लेसिंग की वजह से ही हो रहा है, तो मतलब उसमें अपना जो अहंकार या प्राइड जो है अभिमान वो भी नहीं आएगा। करे, और करे। प्रभु जी मतलब आपने जो कहा है कि एक मतलब जब हमको हायर टेस्ट आता है, जैसे मैंने अभी 4 माला जपी है लेकिन मुझे और करने का मन किया है, तो फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ गया, तो इसको जो निचला स्तर है तो वो हम छोड़ देते हैं कि जैसे प्याज लहसुन खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमको ऊपर का टेस्ट आ गया, तो हम वो सर्विस वो छोड़ देते हैं। उसमें प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं माता जी, बिल्कुल ही सही बात है। इनफैक्ट ये जो कभी भी प्रेस, कभी कोई प्रेस करता है ना, तो सबसे पहले द बेस्ट थिंग टू डू इज कि इमीडिएटली ऑफर इट टू टू गुरु। ओके, इमीडिएटली मतलब डू नॉट लेट इट टच योर हार्ट, वहां तक जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है? इमीडिएटली कि सी नोबडी, आई मीन लाइक आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन प्रीटी मच, आई मीन आई नॉट अ क्वालिफाइड स्पिरिचुअलिस्ट ऑल्सो, राइट? मतलब यू नो इट जस्ट बिकॉज वाई समबडी इज हियरिंग मी, लाइक आप लोग क्यों सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ प्रभुपाद, दिस इज बिकॉज वॉट ऑल दीज ग्रेट आचार्यज हैव सेड, राइट? इफ आई एम रिपीटिंग इट प्रॉपरली देन दैट हैज सम वैल्यू, राइट? सो वट एवर इज हैपनिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मर्सी, राइट? इट जस्ट लाइक कि अगर एक चीटी को बोलेंगे ना कि बॉम्बे से पुणे जाओ वहां के हाईवे से, राइट? तो उसको लाइफ एंड लाइफ लग जाएगी, बट अगर उसने एक बस के ऊपर बैठ गई वो चीटी, तो वो फटाफट पहुंच जाएगी 2-3 घंटे में पुणे तक। तो पॉइंट ये है कि ऐसा इसीलिए पॉसिबल है, वी आर एबल टू टॉक अबाउट सच कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स जस्ट बिकॉज हमारे अमेजिंग आचार्यस ने हमें इतनी अच्छे से समझाया हुआ है सब कुछ। सो नो ग्लोरीज, राइट, फॉर अस। सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, whatever is happening is just because of the guru and krishna, and if you are clear about it, so then there will not be any attachment, right? So correct, that's what should happen immediately, and immediately let it not, I mean, do not let it touch your heart. That is the thing. Anywhere, wherever you are doing a service, like, you know, my realization and what I have been told is that ki this pride is evil. Okay, do not let it touch your heart. So immediately offer it. अगर आप मंदिर में जाके आरती देखोगे, जो मंगल आरती होती है, right? How do they do it? They start from the guru, ठीक है? पहले गुरु को offer करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, right? और फिर they keep on asking permission from everyone, and then they offer, like हम प्रसाद offer करते हैं, तो पहले हम गुरु को offer करते हैं, फिर उसके बाद और ऊपर जाते हैं, फिर finally भगवान को offer करते हैं। The understanding is कि अरे I am offering it to you, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू ऑफर इट टू गॉड, राइट? तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ गुरु, आप आगे पास ऑन कर दो, राइट? एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। इफ आई पास ऑन माई प्रेज टू गुरु, आई एम अल्टीमेटली पासिंग इट टू भगवान ओनली, बिकॉज हु ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ इट, राइट? बट अपने ऊपर रखने की बिल्कुल भी, मतलब दिस इज अ सीरियस एडवाइस, ओके? नेवर लेट इट टच योर हार्ट, दिस प्राइड इज इविल, एंड ऑल दीज अनर्थस कम फ्रॉम देयर। सो फॉर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पार्ट, एंड इट हैपन्स, अभी नहीं समझ में आता है, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप लोग और, तो ये चीजें बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक होती जाएंगे। ओके, सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट। ऑलराइट, प्रभु जी इसमें और एक मतलब कि जैसे नरसिंह देव आए थे और प्रहलाद जी को पूछा था कि क्या चाहिए, चलो तुम वैकुंठ चलो मेरे साथ, गोलोक धाम चलो, लेकिन प्रहलाद जी ने उतने ही नम्रपन से नहीं बोला और बोला कि मेरे गुरु यहाँ पे है और वो जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे ही मुझे प्रचार करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे ही मैं आप मतलब आपके नाम का प्रचार करूंगा। तो मतलब कि इसको आसक्ति बोल सकते हैं कि मतलब जैसे आपने अभी पूछा था ना कि वैकुंठ लोग कौन कौन आने के है, तो मुझे थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन आ गया। तो हाँ, नहीं माता जी देखिए, ऐसे ही सेड कि मतलब
क्या हो रहा है ऊपर से ना, उसको हम इससे नहीं कंपेयर कर सकते कि मतलब अंदर क्या हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें दो लोगों का सिमिलर अटैचमेंट दिख सकता है, बट यहाँ पर हमारा अटैचमेंट ना फ्रेज के ऊपर है। हमें वहां पर फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज और नारद मुनि और सच ग्रेट डिवोटीज, ये लोग प्रेज के लिए नहीं कर रहे जो भी कर रहे हैं, राइट? अगर आप इनका ये इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमारा कौन प्रेज कर रहा है, सो सिमिलरली सो मेनी एग्जाम्पल्स कम इन भागवतम, राइट, हु आर रेडी टू गेट कर्स्ड ऑल्सो, एंड देयर ग्रेट आचार्यज लाइक रामानुजाचार्य एंड पीपल, राइट, हु आर रेडी टू गेट कर्स्ड अगर उन्हें कोई कर्स भी दे दे तो, बट फिर भी वो प्रचार करना चाहते थे। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने फॉर एग्जाम्पल इतने पेन लेके भी क्या जरूरत थी कि मतलब इतना दूर जाओ सब जगह प्रचार करो, नोबडी वाज वाचिंग, राइट? मतलब यूएस में कितने लोग जाते हैं और फिर वट एवर दे चेंज देयर रिलीजन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन, बट ही वाज डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट वाज गुरुस गुरुस ऑर्डर, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिजायर, इट वॉज नॉट हिज प्रभुपाद डिजायर बट इट वॉज हिज गुरुज डिजायर एंड दैट्स वाई ही वॉज डूइंग इट। सिमिलरली अगर नारद मुनि को कोई अप्रिशिएट करे तो ठीक है, अप्रिशिएट ना करे तो ठीक है, बट नारद मुनि पर्पस द मिशन इज टू प्रीच, राइट, टू स्प्रेड भागवत धर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए कोई अच्छा बोले या बुरा बोले। सो दे आर नॉट फॉर दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्थित प्रज्ञ पीपल, जिनके लिए कि सुख हो दुख हो वीत राग भय क्रोध क्रोध इन सबसे दूर है ये लोग, राइट? सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड। They're not doing the same thing. प्रभुपाद को कोई बोलेगा अरे अमेरिका चले गए, अमेरिका में अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छी सी कार में घूम रहे हैं, या ही वॉज इंजॉइंग अलॉट, राइट? मतलब एट वन पॉइंट, बट ही वॉज नॉट बॉदर्ड, मतलब चाहे उनको वैसी जगह पर रखो चाहे उनको पेड़ के नीचे बिठा दो, ही वॉज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, एंड ही वॉज रेडी टू डू दैट मल्टीपल टाइम्स, ही वॉज रेडी टू लीव ऑल ऑफ दोज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। उनके डिसाइपल्स ने बार बार उनको कि नहीं नहीं प्रभुपाद आपके लिए एक अच्छा रूम इंपॉर्टेंट है, राइट? और उनके डिसाइपल्स भी, नॉट जस्ट प्रभुपाद, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज डिसाइपल्स, दे वर रेडी टू लीव एवरीथिंग वट एवर इट इज, लाइक फॉर एग्जाम्पल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ही वॉज वर्किंग इन यूएस इन अ बिग कंपनी, राइट, पेप्सी, वे अच्छी भली पोस्ट पे थे, एंड वेन आस्क्ड कि मतलब आप अपनी जॉब छोड़ दो, ही लेफ्ट इट इमीडिएटली, सो एंड ही वॉज डूइंग द जॉब फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड द रीजन वाई ही वॉज डूइंग इट कि वो सारे पैसे लाके सैलरी प्रभुपाद के हाथ में दे देते थे, and that was his only reason why he was doing his job, ki sare paise prabhupad ke hath mein dene hain because it's required for the preaching mission. So koi kyon kar raha hai wo matter kam karta hai, matlab kyon kar raha hai wo zyada matter karta hai, kya kar raha hai wo kam karta hai, that is the karma yoga ka principle also, theek hai? Upar se sab do log dikhte hain ki ek jaise kaam kar rahe hain. Anyways, there were so few hands raised. Richa mata ji, aapka haath upar tha, abhi niche ho gaya. Any questions? I remember one story about one acharya which we were discussing, jisme I don't remember the name, jisme somebody went to him and he was doing the deity's worship, jisme wo bahut zyada health wise he had many problems but fir bhi pani leke aur fir wapas wahan jaake aur wo karte the, aur jab wo jo milne gaye the shayad raat mein jab wo so jate the to apna chadar unko odha dete the. I think we discussed one. I don't remember that. Deities are also very famous whom he was worshipping. और मतलब वो इतना जो मिलने गए थे वो उनसे बार बार request भी कर रहे थे कि now your health is not permitting और आप मुझे थोड़ा help करने दीजिए ये सारा, पर फिर भी वो नहीं कर मतलब उनको नहीं करने देते थे, और रात में भी जब वो चादर उठा के उनके ऊपर डाल देते थे फिर भी वापस वो जब नींद में से उठते थे तो वापस उनके ऊपर कर देते थे। I don't recall Mataji. But go ahead. I don't recall when I told that. But anyways, yeah, go ahead. Maybe I forgot. Question is that he was very very particular ki no, I have to do all the service related to that particular deities, and he was, I think he's a very big acharya. So इसमें भैया जो attachment है, so that attachment is also मतलब he was not ready to share the service or okay, I'll explain, like, you know, maybe it's misunderstood when I said ki attachment. See, attachment to your own, I mean, aap bodily level pe attached ho aur ya soul ke level pe attached ho. So, dekhiye, we use a word called false ego, right? Abhi ye false ego kyun bolte hain hum? Ahankar jo bola jata hai ki false ego word translate kiya hai Prabhupada ne, right? So, what he means is ki agar aap apne aap ko bada samajh rahe ho na, to wo false ego hai,
मतलब यू नो कि इट इज मी, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं सो एंड सो हूं और मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास ये है वो है, चीजें जो अगर सोच रहे हो तो वो फॉल्स अटैचमेंट है, फॉल्स ईगो है, राइट. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रू ईगो ऑल्सो, वेयर यू अंडरस्टैंड हु यू आर, कि आप सोल हो और आप भगवान के दास हो, दैट इज योर ट्रू आइडेंटिटी, राइट. अगर आप उस लेवल पे हो तो फिर वॉट यू आर डूइंग इज द राइट थिंग, राइट. एंड इट्स नथिंग रॉन्ग टू बी प्राउड ऑफ कि अरे हम, मैं भगवान का दास हूं, मतलब यू नो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं हूँ, राइट. कि मतलब मैं अपने बॉस का दास हूँ, राइट. इट्स लाइक गॉड सर्वेंट, इट्स अ बिग डील, राइट. आई मीन समबडी हु कंट्रोल्स दिस एंटायर एंटायर क्रिएशन, राइट. उसका दास होना कोई छोटी बात नहीं है. सो यू कैन बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट. सो सो दैट दैट इज द लेवल. आई मीन सी एंड यस, सर्विंग गॉड एंड हैविंग अटैचमेंट टू दैट, बट यू यू हैव टू बी क्लियर. दैट्स व्हाई आई एम कीप ऑन रिपीटिंग कि आपके व्हाट इज द हाउ व्हाई पार्ट ऑफ इट, राइट. आप क्यों कर रहे हो ये सब, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. कि आप फॉल्स ईगो में फंस रहे हो या ट्रू ईगो में फंस रहे हो. ओके, यू हैव टू बी इन सम प्लेस फॉर श्योर. बट अगर हम सच में समझ पा रहे हैं कि हाँ हम एक सोल हैं और हमारा काम ही भगवान की सेवा करना है. सो मायापुर में काफी बार बाढ़ आती रहती है. एक बार बाढ़ आई थी तो मायापुर के ना टेम्पल्स, अगर आप जाके देखोगे तो डीटीज काफी ऊपर प्लेटफॉर्म में है, राइट. काफी ऊपर पे है राधा माधव. और वहां पर एक बार पानी भर गया था पूरा, और इतना भर गया था कि पैर से भी कोई चल नहीं सकता था, मतलब डूब जाता आदमी इतना. और जो वहाँ के एक प्रीस्ट है वो उस हालत में भी वहां पे बोट लेके जाते थे और बोट के ऊपर खड़े होके आरती करते थे, राइट. हाँ एग्जैक्टली माता जी, मतलब कि यू आर राइट, कि मतलब हम किस भाव में कर रहे हैं, दैट्स करेक्ट. बट ये वो वाला भाव नहीं है जो भाव और प्रेम का जो स्तर है उसकी बात नहीं है, पर आपका एग्जैक्टली आपके मन का भाव क्या है, आप किस किस लिए कर रहे हो उसको. क्या आपको इसलिए मजा आ रहा है इस सर्विस में क्योंकि आपकी आपका प्रेज हो रहा है? अगर आपका प्रेज के कारण मजा आ रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. एंड अगर आप इसलिए कर रहे हो कि नहीं नहीं अगर प्रेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, इट डजेंट मैटर. नेक्स्ट वर्स जो है ना उसमें भगवान इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों चीजों में वो समान रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई प्रेज करे या उसे कोई कुछ बुरा भला कहे, इट डजेंट मैटर टू हिम, राइट. सो इफ दैट इज द लेवल देन इट्स फाइन, देन देर इज नो प्रॉब्लम. सो इन हैविंग दैट, राइट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा हम किस स्टेज पे कर रहे हैं, क्या हम सोल के लेवल पे सोच रहे हैं या हम बॉडी के लेवल पे सोच रहे हैं. एंड बिकॉज वी आर इन माया दिस थिंग इज प्रॉब्लमेटिक टू अंडरस्टैंड. हमारा उतना लेवल नहीं है तो हम समझ नहीं पाते. इसलिए मैंने बोला कि लिटमस टेस्ट जो है ना, कि अगर गुरु ने बोला छोड़ दो तो आर यू रेडी टू लिव, इफ यू आर देन प्रॉब्ली यू आर इन द राइट स्पॉट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप ऊपर से नहीं जा रहा है, राइट, जो भी मैं बोल रहा हूँ. प्रभु जी, आई डिडंट गेट दैट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो, ये मुझे कांसेप्ट समझ नहीं आया. आपने ये वर्ड सुना है ना, फॉल्स ईगो? हाँ, फॉल्स ईगो आई हैव हर्ड. हाँ, तो ये प्रभुपाद का ही ट्रांसलेशन है. आप भगवत गीता में देखोगे जहां भी अहंकार होता है उसके लिए वो फॉल्स ईगो वर्ड यूज करते हैं. नाउ ईगो इज सपोज टू बी बैड, राइट, एज आई सेड, कि अगर आप ईगो देखोगे तो लोग बोलते हैं कि इट्स बैड, क्योंकि हाँ. एंड दिस फॉल्स ईगो व्हेन ही यूजेस इट एक्चुअली मीन्स समथिंग विच बाइंड्स अस इनटू दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में हमें फंसा के रखा हुआ है उस अहंकार ने, और ये फॉल्स ईगो जो है ये हमें ये फील कराता है कि हम मिस्टर सो एंड सो हैं. आई एम नॉट अ सोल बट माई नेम इज नीरेंद्र एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर सो एंड सो, और मेरे पास इतना ये है वो है, जो भी चीजें हैं, राइट. और उसके कारण आप अपने उस ईगो को बूस्ट करने के लिए और पैसे इकट्ठे करते हो और पावर इकट्ठा करते हो और इस तरह से चलता रहता है सब कुछ. तो बट एट द सेम टाइम आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. एंड दैट फॉल्स ईगो इज बैड बिकॉज वो हमें इस दुनिया से अटैच करके रखा हुआ है उसने, एंड दैट इज द बिगेस्ट अटैचमेंट दैट वी हैव. हमारा माइंड भी उतना अटैच नहीं करता, इंटेलिजेंस भी उतना अटैच नहीं करता जितना हम ये फॉल्स ईगो अटैच करता है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच बाइंड्स अस हियर. नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, एक ट्रू ईगो नाम की चीज भी होती है, जो कि आप अगर अपना लेवल समझ सको कि मैं कौन हूँ, राइट, और भगवान कौन है और मेरा उनसे रिश्ता क्या है. ओके, अगर आप ये समझ सकोगे देन यू विल हैव सम अमेजिंग रियलाइजेशन, राइट, कि अरे भगवान. सो अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना कभी, तो जगन्नाथपुरी में जो पंडा होते हैं ना, जो उनके भगवान के जो पुजारी होते हैं, वो बड़े मोटे ताजे से होते हैं, मोटे मोटे सोने के चेन पहन के और सब खड़े होते हैं. अगर आप उनसे पूछोगे ना कि इतना सज धज के क्यों खड़े हो आप, तो मतलब
पुजारी हो, आपने इतने सोने की चेन और ये सब क्यों पहनी है? द आंसर यू विल गेट इज कि अरे मैं भगवान का, जगन्नाथ जी का दास हूँ, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब यू नो ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ, राइट? सो अगर मैं उनका दास हूँ तो मतलब मुझे भी अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए ना, लगना चाहिए कि मैं जगन्नाथ का दास हूँ, तो अदरवाइज ऐसे कैसे रहेंगे, कैसे भी थोड़ी खड़े हो जाएंगे. सो इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ दैट कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द गॉड, राइट, और मैं जो कर रहा हूँ मेरा अल्टीमेट एम भगवान को सर्व करना है, देन देर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, राइट? एंड दैट इज अवर ट्रू आइडेंटिटी. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि दिस फॉल्स ईगो इज बैड. सो आप किस लेवल पे हो वो समझना पड़ेगा, कि अगर आपका अटैचमेंट इसलिए है कि मुझे भगवान को सर्व करना है, दैट इज द ओनली थिंग, एंड इट डज नॉट मैटर कि वहां पर कोई हो, मतलब यू नो देखने के लिए और मेरी तारीफ करने के लिए ना हो, इट डज नॉट मैटर. सो एक बार गौरांग प्रभु है, देयर इज अ सन्यासी इन इस्कॉन, राइट, कॉल्ड हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. सो राधानाथ स्वामी से कभी किसी ने पूछा था कि आई गो फॉर प्रीचिंग और वहां पे कोई नहीं आता, कभी कभी सुनने के लिए कोई भी नहीं होता, वॉट शुड आई डू, मतलब यू नो. सो ही सेड कि अरे इट डजेंट मैटर, राइट, आपका काम है प्रीच करना, अगर कोई नहीं आता है तो वहां पे चार वॉल्स हैं उस रूम की, उन चार वॉल्स को प्रीच करो और वापस आ जाओ, इट डज नॉट मैटर, मतलब यू आर नॉट प्रीचिंग फॉर गेटिंग फेम और समथिंग, राइट? आपका जो जॉब है आप अपना जॉब ऑनेस्टली करो, दैट्स ऑल. सो इट डजेंट मैटर, अगर कोई एक आदमी भी है तो हम ठीक है उसे भी प्रीच कर देंगे, इट डज नॉट मैटर, राइट? सो दैट इज द पॉइंट, कि वी आर नॉट, नोबडी शुड बी डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ हीज ओन बूस्टिंग ऑफ फॉल्स ईगो. डज इट मेक सेंस? फॉल्स ईगो इज स्टिल नॉट क्लियर. ओके, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? ओके, so just summarizing, trying to summarize it, Prabhuji, from my understanding, so the attachment can be of two types. One is materialistic attachment and the other is the attachment to the service towards the Lord. So when it is the litmus test is to figure out whether our attachment is towards the materialistic gain or materialistic way of doing the things, then we should try to avoid it or try to overcome it. And if it is towards the spiritual service or the service to the Lord or the Guru, then it is okay to have that kind of attachment. Yeah, let me put it in better words. Basically, there are two types of attachment, ek materialistic or ek spiritualist. Materialistic attachments are pure materialistic. Jaise ki mujhe jyada paise chahiye, jyada power chahiye, badi badi car chahiye aur vagera vagera. Right, wo to bura hai hi. Ab spiritual attachment mein bhi do tarah ke ho sakte hain. राइट, एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो सकता है जो कि अरे मुझे स्पिरिचुअल काम करना है, पर क्यों करना है? बिकॉज मतलब मुझे ये एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मंदिर में जाके बर्तन धोना है, राइट? अभी क्यों करना है? लेकिन वो इट कुड बी बिकॉज अरे लोग मेरी तारीफ करेंगे कि देखो कितना बड़ा आदमी है लेकिन मंदिर में बर्तन धोता है, मतलब ही इज अमेजिंग डिवोटी, राइट? सो अगर मैं उस बात के लिए जाता हूँ और बर्तन धोता हूँ, देन दैट इज रॉन्ग एंड आई शुड बी लीविंग दैट, राइट? या फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अरे डिवोटीज का जूठा मैं साफ कर रहा हूँ, इट नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, राइट? मतलब मैं आई एम डूइंग अमेजिंग सर्विस, आई मीन इफ दैट इज द ओनली थिंग इन योर माइंड कि मैं डिवोटीज की सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पर आके, राइट? तो फिर इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू बी इन, देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट फॉर नोइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पोजिशन, कि हमारी पोजिशन जो है वो भगवान के दास के भी दास की है. अगर वी अंडरस्टैंड दैट, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग. डज मेक सेंस? यस प्रभु, थैंक यू सो मच. Okay. All right. should we go ahead? If anything is not clear, let me know, please. Okay. So next thing is aversion, right? अभी aversion का क्या होता है हिसाब किताब? So aversion basically, as I explained, right, कि मतलब मुझे dislike है किसी चीज की. तो aversion से service कैसे रुक जाती है? Well, it's a simple one. I can give the answer. Basically, of course, if you don't like doing a service, you don't do the service, right? अगर आपको बोला कि बर्तन साफ करो और आपको नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगा ये सब, so then it stops. So that is what that Prabhupada's line meant. And कि ये attachment और aversion के कारण service जो है वो आपकी रुक जाती है, right? Okay. So next question I have, now let's go to the second part of the verse. Right, the second part of the verse says ki vit rag bhaya krodha. So vit means like, you know, essentially aapko be going beyond this point, right? I mean the exact translation that Prabhupada gives for vit, and so that I'll be able to explain this vit rag. So
So he gives a free from, right? You know that you're not getting stuck into something. So free from raga, yani veet raga, right? So veet raga, and rag means attachment, right? So ye veet rag hota hai, matlab attachment se dur hota hai. Okay, he's not attached to anything pretty much, right? So I hope that word makes sense. Now the question is ki aapko koi scriptural example pata hai jahan pe koi veet rag tha, matlab you know attachment se dur tha. He was not at all attached. We talked about attachment already too much. So any examples you can think of where a person was not at all attached to any attachment? So I'm Krishna ka example le sakte hai na Prabhu ji. Ki okay. Arjun jo hai wo dono side se matlab do relation hai. Ek to friend bhi hai aur dusre matlab wo bua ke bete bhi hai. लेकिन जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे सारथी बनो तो फिर उन्होंने सारथी बन गए कि ये भी एक मतलब आसक्ति से दूर ऐसे भी सोच सकते हैं. और दूसरा एक तुकाराम जी का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे कि जब वैकुंठ विमान आया तो वो मतलब सबको बुला रहे थे कोई नहीं गया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और सीधा गए वो. Correct. Yeah. So many. In fact, yeah, you're right. I mean, Krishna though is anyways amazing. So many examples on the same thing can be given. But the point is ki, exactly, mostly all the devotees are like that. They are not attached to anything. Okay. I mean, when Bhakti Vinod Thakur, somebody asked him ki, Bhakti Vinod Thakur, by the way, who don't know, is one of the acharyas. And he was like, he was a very big magistrate in the time of Britishers. Right. Jo ki bahut badi baat hoti hai. And somebody asked him, अरे आप क्यों ऐसा जॉब कर रहे हो, मतलब बिकॉज आप इतने बड़े आचार्य हो वगैरह, why are you doing this job? Why, what is the need? So he said, and he was a big preacher. I mean, आज भी उन्होंने जो नामहट प्रोग्राम जो शुरू किए थे ना, वो आज भी बांग्लादेश में चल रहे हैं अभी भी. And just imagine 200 साल पहले शुरू किए थे, जो भी समय हो गया होगा. So basically उन्होंने बोला कि मैं इसलिए करता हूँ ये, क्योंकि अगर मैं ये पोजिशन छोड़ दूंगा ना, तो लोग मेरी सुनने नहीं आएंगे. They come here, a lot of people come here, कि अरे there is a magistrate, he's saying something, चलो सुन के देखते हैं. Okay, a magistrate, and he used to write books, he wrote lot of books, और वो books को बाहर भी London में और इधर उधर काफी जगहों पर भेजते थे, ठीक है, on the life of Lord Chaitanya and things like that. So he said कि those people are listening to me just because okay, I have some position, इसलिए लोग आके सुनते हैं, they want to hear what I have to say. So that is why I'm doing my job. Right. So he not at all attached to whatever he was doing. Right. Anyways, from Bhagavatam, there is one example comes of King Rantidev. Right. I don't know if anybody knows that about him. Anybody knows about King Rantidev? Okay. Okay. I'll give a very brief thing. So King Rantidev, he was like very a great devotee, and he was doing some kind of austerity at one point. Unhone, और उसके कारण काफी समय हो गया था, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था. और उसके बाद जंगल में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ खाऊंगा. और उन्होंने जैसे ही अपना खाना निकाला खाने के लिए, तो उसी समय पे एक ब्राह्मण आ गया, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे कुछ खाने को चाहिए. एंड दिस पर्सन गेव हाफ ऑफ हिज फूड कि ठीक है आप ये खा लो. उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने सोचा कि अभी क्या खाने को बैठे, तभी एक शूद्र आ गया वहां पर. एंड ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि मुझे कुछ खाने को चाहिए. And then he gave away half of the food also. And then next time he was about to eat, another person came with some dogs. And they said ki kuch pani chahiye. And that's the only thing he had. And he gave away all the water also. Okay. So he was totally detached from his own happiness. I mean, he was not bothered ki whether I get fed or not and things like that, right? Because hume ye attachment hota hi hai ki at least apna khana to khane ko milega. At least that's the basic attachment that probably people have. But he was not bothered, right? So the point is ki, and talking about acharyas, almost everyone, I mean, not almost, in fact, all of them, anybody this thing, this principles apply, they were not bothered. Yeah. Parikshit Maharaj, yes. Yes, Mataji. Do you want to say something? What exactly the point you want to say? प्रभु जी जो आपने बोला था ना आसक्ति से मुक्त, जब उनको मतलब वो शराब मिला तो उन्होंने वो शराब के लिए कुछ फाइट भी नहीं किया. इनफैक्ट वो प्रसाद समझ के
सब छोड़ दिया, मतलब कि जो बेटे का उनको बेटे को राजा बना दिया और सब छोड़ के गए या वो मतलब नैमिषारण्य, और शुकदेव स्वामी आए वहां पे और 7 दिन बिना खाए बिना पिए सब उन्होंने भागवतम मतलब कि 2-3 प्रश्न पूछे ऐसे। करेक्ट. हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, मतलब देव ही वॉज नॉट एट ऑल अटैच, मतलब यू नो, एंड सो मेनी अदर अदर पीपल राइट, मतलब यू लुक एट एनी बडी, आई मीन लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जड़ भरत का एग्जाम्पल आता है भागवतम में, राइट. ही वॉज लाइक यू नो ही रिमेम्बर्ड एवरीथिंग. उनको उनकी 3 लाइफ हुई थी एनी वेज. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब यू नो ही वॉज अ ग्रेट किंग भरत, जिनके कारण भारतवर्ष नाम है इस देश का, राइट. एंड ही गॉट स्टक इन सम अटैचमेंट एट दैट टाइम. एक डियर के अटैचमेंट में फंस गए थे, बिकॉज एक डियर का बच्चा जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे उनके पास आता था, और ही स्टार्टेड केयरिंग फॉर दैट डियर. और उस अटैचमेंट में एक दिन डियर आया नहीं, तो उनको लगा कि डियर को पता नहीं क्या हो गया, और उसे खोजते खोजते ही फेल इन टू अ डिच एंड ही डाइड, राइट. और फिर नेक्स्ट लाइफ ही गॉट ऑफ अ डियर, बिकॉज वो उन्होंने डेथ के टाइम डियर के बारे में ही सोच रहे थे. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो ही रिमेंबर्ड हिज प्रीवियस लाइफ, और बिकॉज ही रिमेंबर्ड ही केप्ट ऑन. ही यूज टू लेट जस्ट रोम अराउंड नियर द ऋषिज, और उनका बचा कुचा कुछ खाते थे, ड्राई लीव्स ही खाते थे, और इस तरह से उन्होंने अपना डियर का बॉडी छोड़ दिया. एंड देन ही गॉट द नेक्स्ट बॉडी ऑफ समबडी कॉल्ड जड़ भरत, और जड़ भरत में भी उनको पूरा नॉलेज था कि क्या है, हु ही इज, बट एट दैट टाइम ही एक्चुअली न्यू कि अरे मैं अगर, एंड ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, जहां पे उनके फादर उनको काफी कुछ सिखाना चाहते थे, बट ही वॉज नॉट अटैच टू एनी ऑफ दिस, राइट. ही न्यू कि अरे ये सब चीजें फालतू की हैं, एंड ही केप्ट ऑन बिहेविंग लाइक अ डम पर्सन. एंड बिकॉज ही केप्ट ऑन बिहेविंग लाइक अ डम पर्सन, उनको सबने छोड़ दिया, उनके भाइयों ने भी उनको बहुत दुख दिया, सब कुछ हुआ, बट ही वॉज नॉट अटैच टू एनी ऑफ दीज बॉडीली थिंग्स. इनफैक्ट ही वॉज ओनली, ही न्यू द ओरिजिनल पोजिशन दैट ही हैज, और वो सिर्फ उनका ध्यान उसी पे ही था. एंड और ऊपर से वो सिर्फ ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे ही इज अ हाफ माइंडेड पर्सन, और यू नो ही इज अ डिम्बेट एंड थिंग्स लाइक दैट. Right. Yeah. So anybody, any example you take, these people are not attached at all. So if you are not attached, not being attached is, I think, I would say the beginning of the spiritual life, right? I mean, but it does not mean ki hame stone hearted. These people were not stone hearted. None of them was. Okay. But not being attached to our own bodily conception is very important, because that is something जिसने हमें यहाँ पे bind करके रखा हुआ है, और उसके कारण ही हम फंसे हुए हैं. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. कुछ ऊपर से गया तो बता दीजिए. एनीथिंग एनीथिंग आई शुड एक्सप्लेन हेयर, या आपको कोई ऐसी बात भी लगती हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो भी बता दो, मतलब आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन. एनीवेज, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो दिस वॉज वीत राग, एंड यानी विदाउट राग. आई वॉज होपिंग कि आज हम 3 वर्सेस कंप्लीट करेंगे. आई एम नाउ होपिंग कि हम ये वर्स कंप्लीट कर लेंगे, बट लेट्स सी. We'll try. So, yeah. So then there is something called as भय, वीत राग भय क्रोधा. So ये वीत भय क्या होता है, यानी भय भय से मुक्ति, मुक्त कैसे होता है एक आदमी, राइट. जो फियर होता है ना वो कई तरह का होता है, सिमिलर टू अटैचमेंट. लाइक फियर भी जो होता है वो एक मटीरियल फियर होता है, और उससे भी बड़ा एक स्पिरिचुअल फियर भी होता है. यू नो फियर ऑफ फेलियर इन द स्पिरिचुअल पाथ, that is also a big fear that people have, right? So material fear of course is there. Like spiritual fear is something like ki are what if I fail, itni mehnat karenge uske baad agar maya mili na ram to fir kya karenge, matlab you know ki isse acha to materially paise kama lete hain, ye sab chhod chhad ke spiritual path pe ja rahe hain aur pata nahi kya hoga, is life mein kuch hoga bhi ki nahi hoga, to ye life to waste jayegi faltu mein, is tarah ke fear bhi hote hain, right? Aur maine itna kuch kiya uske baad bhi kuch hua nahi, matlab abhi tak mujhe भगवान का पीताम्बर दिखना शुरू नहीं हुआ है, इतने टाइम से चैंटिंग कर रहा हूँ, राइट. तो फिर क्या फायदा, मतलब इतना सब करके. सो अगर सो दैट ऑल्सो इज देयर. इनफैक्ट दैट हैपन्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे क्रिएट अ वेरी हाई बेंचमार्क. ओके, कि इस लाइफ में मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, इस लाइफ में मुझे पीताम्बर दिखना चाहिए अभी एक दिन के बाद, राइट. बट ऐसा होगा कि नहीं, इस बात का फियर होता है, राइट. सो वी शुड क्रिएट बेंचमार्क्स, इनफैक्ट which are really safe benchmarks. Okay, what is the safe benchmark? What would be the safe benchmark that you can think of, जिससे कि हमें fear नहीं होगा और हम peacefully अपनी practice कर पाएंगे.
डू यू थिंक इट मेक सेंस कि मतलब ऐसा फियर होता है लोगों को या नहीं होता है किसी को भी? इट्स अ इमेजिनरी थिंग आई एम टॉकिंग राइट नाउ. नो नो इट हैपेंस एक्चुअली. ओके दैट विल इट विल समथिंग हैपन विल आई गेट समथिंग नॉट गेट नोबडी नोज राइट. प्रभुपाद से एक बार पूछा था किसी ने कि व्हाट इफ एट द टाइम ऑफ योर डेथ यू रियलाइज कि कृष्णा इज नॉट देयर. ओके व्हाट विल यू थिंक? And Prabhupada said, see, what we will think is ki we had a very wonderful life. Humne itne acche se prasad khaya, itna devotees ke saath dance kiya, kirtan kiya, enjoy kiya, right? This is what we will think. But and then he said, Prabhupada said, ki what if you realize at the time of your death that Krishna is there? What will you do? Right? And that guy had no answer, right? So that fear sometimes exists. But what is a safe benchmark? I mean, the question was slightly different. Yeah. Fear of benchmark right now, I think I'm at a very naive stage or ye to bilkul bhi nahi hai, but that this fear is always there ki I hope this path what we have started to walk, this should not get break somewhere, or I should not get deviate, or I should not stop this. So this is the biggest that's also the valid fear, right? Ki matlab ye jo bhi shuru kiya hai wo हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, क्या पता बीच में कहीं छूट जाए, राइट? और अगर छूट गया तो फिर क्या फायदा इतना सब करके, पता नहीं. मतलब या दैट्स आल्सो अ वैलिड फियर, राइट? सो इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट, राइट? आई मीन भगवान आगे आंसर करते हैं भगवद गीता में. सो व्हाट ही सेज इज कि ये पाथ ऐसा है ना कि यहाँ पर देर इज नो लॉस और डिमिनेशन इन दिस पाथ, ठीक है? और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यानी कि इस पाथ में किया गया थोड़ा सा एंडेवर भी आपको बहुत बड़े भय से मुक्त करता है. और वो भय क्या होता है? टू गेट इनटू एनिमल लाइफ इनफैक्ट, और टू गेट स्टक इनटू दिस वर्ल्ड, राइट? इस भव सागर में फंसे रहने का जो भय है. सो अगर आपने थोड़ा सा भी किया ना इस लाइफ में और उसके बाद कंटिन्यू नहीं भी कर पाए एंड यू फॉल डाउन, इवन देन यू विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्लेस वेयर यू लेफ्ट. एंड आई कैन टेल यू इवन इन दिस लाइफ कृष्णा डजंट लीव यू. ओके अगर आपने थोड़ा सा करके, थोड़ी प्रैक्टिस करके आप कहीं और भी चले गए ना, कृष्णा विल अरेंज दैट यू स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस और मे बी एट अ हायर प्लेस फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट. आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज. ओके जहां पर पीपल आर, मतलब आप छोड़ने की भी कोशिश करोगे ना, कृष्णा विल नॉट लीव यू, ही विल जस्ट ड्रैग यू विद हिम. इनफैक्ट व्हेन यू वांट टू से कि अरे नहीं बस हो गया, मतलब मुझे छोड़ दो, ऐसे में भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? दिस इज नो कोइंसिडेंस कि सडनली ऑल ऑफ अस गॉट इन टू भक्ति. वाई, राइट? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड your parents doing bhakti, for example, and you started from there, right? Somebody suddenly introduced you to this bhakti. Why? How come it happens? क्या reason है उसका? क्यों ऐसा हुआ इस life में ऐसा हुआ? In fact, और भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने कभी किसी के साथ practice की थी, बाद में छूट गया, suddenly उनको कुछ devotees मिल गए, वापस से practice करने लग गए, ऐसा भी होता है, right? So why does this happen? So nothing to worry about that part. Krishna will take care. राइट. नाउ कमिंग टू कि हमारा सेफ बेंचमार्क क्या होना चाहिए, ऐसा क्या बेंचमार्क होना चाहिए कि हमें टेंशन ना आए? क्योंकि अगर हमारा बेंचमार्क ये है कि हमें पीताम्बर अगले एक साल में दिखना चाहिए, दूसरे साल हमें भगवान के चरण दिख जाने चाहिए, तीसरे साल में तुलसी की स्मेल आनी चाहिए, तो फिर हम हमेशा फियर में रहेंगे, राइट? व्हाट शुड बी द सेफ बेंचमार्क कि हमें अपनी प्रैक्टिस में, जो चलती हुई प्रैक्टिस है, उसमें कभी चिंता ना हो, ऐसा लगे कि सब सही चल रहा है. ओके भैया, एडिंग टू माय क्वेश्चन or I mean the explanation what you are giving, if suppose it happens, and as you are saying, yes, it has happened that you again start from where you have left, but that guilt which is there, that it got stopped in between, that guilt itself is so sometimes it's very badly taken that we are not able to focus or start with the same kind of passion. And secondly, what happens is that guilt kills you inside, that why it got stopped when it was going everything fine and I was able to understand things better, but again it got stopped. So how to come over to that guilt? So Mataji, kaisa hai na ki hum log yahan par maya mein phase hain, ठीक है? एंड माया इज नथिंग अनरियल. मतलब when somebody says माया ना, तो हमें लगता है कोई एक एक्सटर्नल एंटिटी होगी जिसमें, जो हमें कुछ तो डरा रही है, फंसा रही है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. व्हाट इट मींस इसकी जो हमारा माइंड है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी ये बॉडी है, और हमारे आसपास जो भी है ना, एवरीथिंग इज माया. इट्स ऑल मटीरियल,
राइट, और हम उसके बीच में एक छोटा सा सोल उसके अंदर फंसा हुआ है, दैट्स व्हाट इट रियली मीन्स. सो एसेंशियली बिकॉज ऑफ दिस मटीरियल थिंग्स ट्राइंग टू ड्राइव अस राइट एंड अवर डिजायर टू लॉर्ड ओवर देम, वी कीप ऑन गेटिंग स्टक. ठीक है, सो बेसिकली इसके कारण हम यहाँ पर फंसे रहते हैं, और हम क्योंकि फंसे हुए हैं ना, तो हमारा कुछ वो हो जाना, डेविएट हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है. एक बार प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि प्रभुपाद इस्कॉन में इतने सारे लोग हमारे छोड़ के चले गए, इट इज इट समथिंग बैड, और यू नो सो प्रभुपाद सेड कि सी जो लोग चले गए ना उनको देख के मुझे आश्चर्य नहीं है, जो बचे हुए हैं ना उनको देख के आश्चर्य होता है. ओके, सो द पॉइंट इज कि इन दिस वॉट एवर वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्विम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करेंट. ठीक है, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है, इस माया के संसार में हम अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं, और ऐसे में छूट जाना, आगे नहीं बढ़ पाना, करंट के साथ वापस पीछे आ जाना, नथिंग अनयूजुअल हेयर. ठीक है, सो वी शुड नॉट फील बैड और हैव गिल्ट अबाउट इट. हमें इसके लिए ज्यादा बुरा नहीं फील करना चाहिए. वट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि हमने जो भी किया है ना, ये चीज लॉस्ट नहीं होने वाली है, कृष्णा इज गोइंग टू टेक केयर. और दूसरी बात ये कि इट कैनॉट बी डन आर्टिफिशियली. आप जो बोल रहे हो ना कि हमारा पैशन नहीं आता, कभी कुछ नहीं होता, ये आर्टिफिशियली पैशन के साथ करने वाली चीज नहीं है. इट रिक्वायर्स गुडनेस, एंड इट द गुडनेस कैन ओनली कम वेन वी हैव अवर प्रैक्टिस इंटैक्ट. सो हमें फोकस ये रखना चाहिए अपनी प्रैक्टिस पे. दिस नॉलेज विल कम हमारे अंदर, एंड बिकॉज ऑफ विच विल बिकम दिस स्थित प्रज्ञा एट वन पॉइंट वेयर वी आर फिक्स्ड इन अवर सर्विस. सो बट इट डज नॉट मैटर, गिल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब कोई भी डर की बात नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लूजिंग. एंड इवेंचुअली आप देखोगे तो सोल का एग्जिस्टेंस सिर्फ इस बॉडी इस लाइफ का नहीं है, इट इज लाइफ आफ्टर लाइफ, इट्स अ जर्नी ऑफ मोर देन वन लाइफ. सो वट एवर वी डू हेयर इज गोइंग टू बी कैरीड फॉर, इन फैक्ट वॉट वी डिड इज हैज ब्रॉट अस टिल दिस पॉइंट सो फार. एम आई मेकिंग सेंस, या मैंने आपका कोई पॉइंट मिस कर दिया? जी जी थैंक यू. Yeah, so nothing to fear basically in no circumstances, but yeah, I know that fear, I understand that, but as I say ki matlab it's not unusual if we are not able to do our service, but at the same time we have to understand ki this is the golden opportunity. Right now what you have is a golden opportunity, you should not try to leave it. I mean it should be, but cannot be done artificially at the same time, but yes, we should make it a priority in our life, otherwise there's a risk of getting stuck in this material world forever. Okay. Any other question? Okay. Yeah. So the question I was asking, let me answer it. Basically, what I was saying is, ki matlab, what is the right benchmark? So the benchmark where the fear doesn't exist is that are we pleasing our superiors, our guru? Okay. That should be what it should be, rather than thinking about exotic things happening around us. कि क्या मुझे मतलब you know शुद्ध नाम का जप करना शुरू किया है मैंने कि नहीं, या मैंने भगवान मुझे दिखाई देना शुरू हुए कि नहीं जब मैं ध्यान करता हूँ, या मुझे प्रेमा भक्ति मिली कि नहीं. नहीं नहीं, are we actually our superiors, are they satisfied with us, are they happy with us with our practice level, whatever we are doing, if that is achieved then that is good enough. Okay. Yeah, matlab, even if that sounds too much, so am I able to please the Vaishnavas I am living with? Jo mere aaspaas mere Vaishnav hai na, wo actually pleased hai kya meri practice se? Even if that is there, it is also good enough. Okay. Okay. Hand raise or something? Haan, yes, batai. Kya hum isko aise le sakte hai ki ye, matlab, ye hamara karm hai aur slowly and steadily maybe we'll get ourselves raised to that level. Abhi filhal ke liye jo hai, jo distractions ya jo kuch bhi hai, we should live with it, and by the time hum usko achieve kar payenge. Nahi, actually na bahut dekhiye, okay, I knew ki matlab mere us explanation se ye wrong side mein jane ka khatra hai. So basically point ye ki hame ye sab leave nahi karna hai, matlab at the same time हमें गिल्ट नहीं फील करनी है अगर कुछ गलत हो गया तो, बट हमें अपनी साइड से ऑनेस्ट एंडेवर करना है. इफ वी डोंट डू दैट,
ये लीव मतलब कि वो ऐसा नहीं कि छोड़ दो आप, मतलब अगर आज मुझसे पूरा 108 मन का नहीं हुआ तो मुझसे 10 हुआ एंड आई शुड बी हैप्पी विद दैट एंड स्लोली शायद आई विल अटेन दैट लेवल. इसी इसी चीज से क्या मतलब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या ये उसका आंसर हो सकता है कि वी शुड लीव इट एज इट इज जो चल रहा है, मतलब वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट, बट वो जितनी सारी टेंशन और ये सब डर और ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है उसको साइड रख के जितना हमसे हम लोग अपना लेवल से बेस्ट करके उसको छोड़ सकते हैं और स्लोली आई थिंक हम अपना लेवल रेज कर पाए. हाँ लेकिन देखिए तो दो चीजें होती हैं, मतलब यू नो कल एकादशी थी और एक्चुअली जो मेरा छोटा वाला बेटा है मतलब उसको वो उसने भी एकादशी रखना शुरू किया है और उसने गलती से बिस्किट उठा के खा लिया एंड ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ वी हैड टोल्ड हिम कि एकादशी के दिन वी शुड नॉट ईट ईट दिस. ओके एंड देन व्हाट वी टोल्ड हिम ही इज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड बट इज दैट कि अरे इट्स ओके, मतलब यू डिडंट डू इट इंटेंशनली, राइट? गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, राइट? कंटिन्यू योर एकादशी, दैट्स फाइन. द पॉइंट इज कि अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, बट इट डज नॉट मीन कि हम अपनी तरफ से एंडेवर नहीं करें, इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट? कि अगर हमने अपनी तरफ से भी एंडेवर नहीं किया और हमें लगा कि नहीं नहीं इट्स ओके, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा हुआ तो थोड़े में चलता है, देन देर इज अ प्रॉब्लम, देन वी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन. बिकॉज वो आज आपने 10 बार जप किया है और फिर नेक्स्ट टाइम आप 5 बार करोगे कि अरे चलता तो है ही, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई आर वी डूइंग दिस. ओके व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज वी आर अ सोल, राइट? और इस मटीरियल वर्ल्ड में आपका आपके लिए अगर आप बोलोगे ना कि कोई सहारा कोई भी नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी कि वी आर अ स्मॉल सोल हु स्टक इन दिस मटीरियल वर्ल्ड जहां पे सब कुछ मैटर है, हमारा माइंड भी मैटर है और हमारा इंटेलिजेंस भी मैटर है एंड दे आर ऑल अटैचिंग अस टू दिस वर्ल्ड एंड वी आर अटैच्ड एंड स्टक हियर. और यहां से निकलने के लिए स्पिरिचुअल कोई चीज चाहिए बिकॉज वी आर अ स्पिरिचुअल मैटर और उसके लिए यहां पर और कोई सहारा नहीं है. The only spiritual thing available in this world is the name of the God, because that is spiritual, and there is nothing else available. Okay, so we need to get attached to that to be able to come out of this bhav sagar. Okay, यहाँ से निकलने के लिए वो कोई एक सहारा अगर कुछ available है ना तो वही है और उसको lightly नहीं लेना चाहिए. If we really have this understanding, अगर हम really समझेंगे ना तो it's an urgent matter. Okay, then it is not a small thing. हमें अपनी तरफ से endeavor पूरा करना चाहिए. If we fail, it's okay to fail. ठीक है? That's the only thing I'm saying. If you fail even after doing that, it's okay. Don't feel guilt about it. ठीक है? But don't take it easy. Do not make it a habit. If it happens, it happens. That's fine. I don't know if I made sense. Right. But when you fail, don't feel guilt. But try as hard as you can. बट जब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं पहले इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर में या कुछ भी कह लीजिए आप, हम स्टार्ट करते हैं बट देन वी गेट अटैच्ड टू आवर लॉर्ड, भगवान भगवान से प्रेम भक्ति जो भी आप उसको कीजिए, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने 10 बार किया तो कल मैं 5 बार करूंगी. सर्कमस्टेंसेस भले ऐसे हो कि मैं 2 शिफ्ट में कर लूं या 10 शिफ्ट में कर लूं, बट आई विल ट्राई के वो ज्यादा ही हो. पर अगर वो करने के बाद में मतलब ऑफ कोर्स ये अटैचमेंट ही हुआ, शायद आपने जो पहले लास्ट अभी डिस्कस कर रहे थे वो नहीं होगा तो फिर तो मुझे लगता है कि डिसहार्टमेंट होगा ही. हाँ देखिए एक्चुअली ना इन सबसे भी बड़ी चीजें एक होती है विच इज द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. लाइक बेसिकली ना भक्ति जो है ना एक्चुअली लोगों को लगता है कि भक्ति मेरे और भगवान के बीच करने वाली चीज है, बट ऐसा है नहीं क्योंकि आप हम लोगों का ना वो लेवल नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें. okay? तो उसका तरीका ये होता है ना, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं कि 24 घंटे भगवान का नाम लो, मतलब मैंने इसे दिस सेंटेंस आई मीन चैतन्य महाप्रभु एंड ही सेड कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा भगवान का नाम लो. दैट इज नॉट अवर स्टैंडर्ड एंड वी कैन नॉट डू दैट. एंड इन बिटवीन प्रभुपाद कम्स ही एंड ही सेज कि नहीं 16 राउंड्स करो एंड दैट इज गुड इनफ. Now, if we at least, and he said at least, okay, so at least 60 rounds, and I guarantee that you'll go back. Now, if that much is there, so at least there is something like a commitment. Here, I gave a commitment to the Guru, or Guru has asked for this commitment,
सो आई हैव टू डू इट, इवन अगर रात के 12 बज जाए तो भी मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से. ओके, सो दैट इज समथिंग. अगर हमें वो भी नहीं है ना, क्योंकि हु एल्स इज गोइंग टू डिलीवर, आई मीन राइट, आपको लगता है कि आपके अपने एंडेवर से आप डिलीवर हो जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक एक स्टोरी बताते थे प्रभुपाद कि एक एक छोटी सी बर्ड थी, चिड़िया, और उसने ना अपने पेड़ पे घोंसला बनाया था, उसमें अंडे थे काफी सारे, और उस अंडे को ना वो नीचे समुद्र था, और एक बार समुद्र में गिर गए वो अंडे, और जब वो गिर गए ना समुद्र में, तो क्या हुआ, वो चिड़िया गई मतलब समुद्र के पास, और उसने बोला कि अरे मेरे अंडे वापस कर दो. एंड द ओशन सेड कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दे रहा अंडे. एंड चिड़िया ने बोला कि मैं तुम्हारा पूरा समुद्र को सुखा दूंगी. तो ही सेड कि जाओ जो जो करना है कर लो, राइट, एक छोटी सी चिड़िया क्या करेगी. तो चिड़िया ने क्या किया, उसने अपना एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर उस समुद्र से निकालना शुरू किया और उसे इधर उधर डालना शुरू किया कहीं और ऐसा वो करती गई विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी थिंग. शी केप्ट ऑन डूइंग इट राइट फॉर क्वाइट सम टाइम. नाउ आफ्टर शी केप्ट ऑन डूइंग इट, तो गरुड़ जो है, मतलब यू नो हु इज द किंग ऑफ द बर्ड्स एंड यू नो सो सच अ ग्रेट डिवोटी, ही सॉ दिस कि अरे ये बर्ड इतना डिटरमाइंड है, वो लगी हुई है कितने दिनों से, रोज एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर निकालती है समुद्र का और करती है. देन गरुड़ केम डाउन एंड ही सेड टू ओशन कि देखो इसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा समुद्र सुखा दूंगा, पक्की बात है, राइट. एंड देन ओशन गॉट स्केयर्ड कि अरे गरुड़ तो पक्का सुखा देगा. एंड देन ही सेड कि ठीक है चलो मैं अंडे वापस करता हूँ. एंड देन ही गेव बैक द एग्स, राइट. तो माय क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. डिटर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी. या एग्जैक्टली, सो एग्जैक्टली दैट, सो इट्स अबाउट दैट डिटर्मिनेशन थिंग कि मतलब यू नो आर वी, इफ वी हैव दैट डिटर्मिनेशन ना कि, एंड वन मोर थिंग वी अंडरस्टैंड कि हमारे एंडेवर से ना सब कुछ नहीं होता है. ओके, इट इज ऑल्सो द मर्सी बिकॉज ऑफ विच थिंग्स हैपन, सो वी शुड प्रे फॉर दैट मर्सी. अगर हमसे 10 बार भी माला नहीं हुई आज ना, तो हमें प्रे करना चाहिए कि भगवान मुझे प्लीज मर्सी दो अपनी, सो दैट आई एम एबल टू चैंट योर नेम. ठीक है, इट इज नॉट अवर एंडेवर विच मैटर्स अ लॉट, इट इज एक्चुअली द मर्सी ऑफ द डिवोटीज एंड 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 लॉर्ड हिमसेल्फ, राइट, एंड एंड लॉट ऑन डिवोटीज मर्सी. सो वी शुड एक्चुअली, एंड दैट इज द रीजन वाई दिस दिस पाथ इज अबाउट सर्विस. व्हेन प्रभुपाद ने जब भक्ति इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमेशा डिवोशनल सर्विस ट्रांसलेट करते हैं. इट्स अबाउट सर्विंग द वैष्णवस, सर्विंग द पीपल, सो दैट वी सर्व द वैष्णवस एंड वी गेट देयर मर्सी, सो दैट वी कैन डू अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. क्योंकि हमारे खुद की ताकत से ना हम समुद्र को नहीं सुखा सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट आउट, देन वी हैव टू गेट अ लॉट ऑफ मर्सी, राइट. So that mercy is required and our determination is required, right? So we have to be determined, we have to be clear ki nahi nahi main apni taraf se puri koshish karenge aur mujhe apne baki devotees ki mercy mil jaye. And these are the two things which are good enough to get out, right? So ha, matlab the point I'm trying to make is, if something doesn't happen, it's okay, do not feel too bad about it, but at the same time we have to be determined and try our best. अगर रात के 12 बजते हैं तो बज जाए, बट आई विल फिनिश माई जपा, राइट. अगर वट एवर हैपन्स, राइट, एनी थिंग बैड हैपन्स ऑल्सो, इवन देन आई हैव टू बी, वेन इट सेज, राइट, जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो स्थित धीर मुनि के बारे में, राइट, अ पर्सन हु इज टोटली फिक्स्ड कि जो डिसाइड किया ना वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, आई विल डू माई थिंग, राइट. अभी इससे एक दो वर्ष बाद 2.58 अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट देयर. एनीथिंग गुड और बैड, वट एवर हैपन्स, दैट पर्सन इज फिक्स्ड इन हिज प्रैक्टिस, मतलब उसने जो डिसाइड किया ना वो करेगा. यस, हाँ बताइए. वन थिंग आई वांट टू आस्क, यू आर सेइंग कि यू शुड फॉलो वैष्णवस, राइट? नो, यू शुड सर्व वैष्णवस. हाँ, नो, बट व्हाई वैष्णवस? हम डायरेक्ट गॉड को सर्व कर रहे हैं तो बीच में वैष्णवस क्यों क्यों आ गए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो बेसिकली कैसा है ना कि वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू डायरेक्टली अप्रोच गॉड. ठीक है, मतलब व्हाट इज अवर क्वालिफिकेशन टू बी एबल सो दैट वी गेट दैट मर्सी, टू सो दैट वी आर इवन एबल टू सर्व हिम प्रॉपरली. ओके, हमारी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं. जो नॉलेज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट, दिस नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम वैष्णवस. नाउ अगर because of which we even know ki that there is a God which exists, which is real, right? Now, the point is that the reason why we have to serve Vaishnavas is somebody else is actually more qualified.
ओके, इफ दे आर एंड दे आर मोर क्लोजर टू गॉड, तो अगर भगवान मेरी नहीं सुनेंगे ना तो चांसेस बहुत हाई है कि उनकी सुनेंगे. दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग. द सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज कि अ डिवोटी इज एक्चुअली वेरी डियर टू गॉड, ठीक है, एंड नॉट सर्विंग देम, आई मीन एंड दिस इज ऑन द अदर साइड, यू नो, इनफैक्ट डूइंग एन ऑफेंस फॉर देम इज नॉट डज नॉट प्लीज गॉड. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट यस वी शुड नॉट डू एनी ऑफेंस, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ वी सर्व देम, इफ यू गेट देयर मर्सी, देन ओनली वी कैन मूव अहेड. ठीक है, भक्ति कैसी चीज है ना, जैसे योग होता है, तो योग और ज्ञान का जो रास्ता है वो कैसा है ना कि मैं अपने अपने एंडेवर से, सिर्फ अपनी ताकत से मैं सब कुछ कर लूंगा. बट भक्ति ऐसा पाथ नहीं है. भक्ति जो पाथ है ना वो मर्सी वाला पाथ है. यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मर्सी से ही आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, देर इज नो अदर वे. ये जंगल में जाके करने वाली चीज नहीं है, ये भक्तों के साथ ही भक्ति मिलती है आपको. जो भक्ति बेसिकली मिलती भी है ना, तो सो बेसिकली माधुर्य कदम्बिनी में इट इज एक्सप्लेन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि बेसिकली कैसे होता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज भक्ति लता बीज. ओके, एक बीज होता है भक्ति का विच यू गेट इन योर हार्ट, एंड देन फ्रॉम देयर दैट भक्ति का प्लांट ग्रोज इन योर हार्ट. ठीक है, एंड वेन दिस बीज इज कैन बी गिवन ओनली बाय समबडी हु हैज भक्ति. ठीक है, इट कैन नॉट बी गिवन बाय एनीबडी एल्स. नाउ अदर देन दैट, वंस यू हैव दैट ट्री विच स्टार्ट्स गेट ग्रोइंग, तो उस पॉइंट पे भी आपके साथ, जैसे जैसे वाटर होता है ना उसके साथ, उस ट्री के साथ और वीड्स भी आती हैं बहुत सारी. ये सारे अनर्थ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अरे एज यू ग्रो इन भक्ति, दिस वॉज जस्ट वन टाइप ऑफ अनर्थ दैट आई टॉक्ड अबाउट. देर आर मेनी, जहां पर आपको काफी सारा प्राइड आता है, बहुत कुछ होता है. Now that weeds have to be cut, okay, they have to be removed, and that can only be done by an expert guru, by a somebody who knows what it is going on. So bhakti is not a path jahan par aap apne endeavor se solve kar lo problem. Okay, bhagwan tak pahunchne ki qualification hai nahi hamari. Theek hai, it is only, so that's why even of course, yeah, that's a good story too. Yes, so Narad Muni basically in his previous life, I mean as Bhagavatam explained, was a son of a maid servant, right? Ek dasi ke putra the, theek hai, no qualification, chote se ladke the 5-6 saal ke, no qualification at all, right? And unke wahan par ek bar there were some sages which came, okay, Bhakti Vedant, there were a couple of Bhakti Vedant jo aaye unke unke gaon mein, aur kyunki chaturmas ka time tha wahan par, they were not traveling, तो उन भक्ति वेदांत वहीं पर ही रुक गए और नारद मुनि उनकी सर्विस करने लगे. छोटे से लड़के थे, कुछ कुछ उनको सर्व करते थे. एक बार उनके साथ जो खाना खा रहे थे वो भक्ति वेदांत, और नारद मुनि ने खाने के बाद बोला कि अरे आपका थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, क्या मैं खा सकता हूँ? एंड दे मर्सीफुली सेड कि ठीक है खा लो. ओके, एंड दे ही हैड इट, एंड नारद मुनि सेज, आई मीन इन भागवतम ही एक्सप्लेन्स इट टू व्यासदेव, ही सेज कि अरे वो छोटा सा जो मैंने उनका जूठा खा लिया था ना, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट अ लॉट, आई मीन यू नो ही गॉट, एंड दोस पीपल वेंट अवे, आई मीन आफ्टर सम टाइम, आई मीन आफ्टर फ्यू मंथ्स, राइट? बट दिस बॉय ही चेंज्ड, हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड. ओके, ही एक्चुअली गॉट इन टू द पाथ ऑफ डिवोशन. हिज मदर डाइड बिकॉज ऑफ अ स्नेक बाइट, एंड ही वॉज नॉट वरीड, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, ही वेंट टू नॉर्थ. ओके, एंड देयर ही गॉट द दर्शन ऑफ द गॉड. ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद हिम, एंड देन ही सेज लाइक अ फ्लैश हिज लाइफ एंडेड एंड ही गॉट इनटू दिस बॉडी ऑफ नारद. ओके, एंड थिंग्स लाइक दैट. बट ही बिकेम नारद, द नारद मुनि बिकेम नारद जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ दोज डिवोटीज. सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज. अम्बरीश महाराज, अगर आप भागवतम में पढ़ोगे, अम्बरीश महाराज वॉज अ पर्सन हु वॉज लाइक अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड. ठीक है, दुर्वासा मुनि ने उनको मारने की कोशिश की थी, एंड भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया वहां से, और उसके बाद दुर्वासा मुनि पूरी दुनिया में घूमते रहे, पूरे यूनिवर्स में. ठीक है, सो दैट इज अबाउट ऑफेंडिंग द वैष्णव, द अदर साइड ऑफ थिंग एज आई वाज सेइंग. ओके, एंड व्हेन ही वेंट टू नारायण, नारायण आल्सो सेड कि नहीं नहीं ये सुदर्शन चक्र मैं नहीं रोक सकता, तुमने मेरे डिवोटी को ऑफेंड किया है, जाके उनसे बोलो, एंड इफ ही सेज देन ओनली दिस सुदर्शन चक्र विल स्टॉप. इफ ही सेज कि मैंने माफ कर दिया, तो ही सुदर्शन चक्र रुकेगा. बट एनीवेज, दैट इज अबाउट ऑफेंडिंग पार्ट ऑफ इट, बट गेटिंग द मर्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भक्ति ऐसा पात नहीं है. I don't know if I explained it clearly.
It's a long discussion, really. There are hundreds of stories I can keep talking about. But one thing, the crux of the matter to keep in mind is that in this path, only by mercy of the devotees can we move out. Okay? And that is why the association is the very, very important thing. Matlab, you know, aap khud socho ki matlab, agar kuch mehne tak, matlab, soch, aapko sab, aap sochna mushkil hai. But agar if for some months, you go to a different part of the country jahan pe you don't find any devotees and you are just not listening to anything, okay, and you are trying to practice now, to ye sara kuch theory ban jayega. Theek hai, whatever we discuss so far now, it will all sound like theory ki aapko sab kuch pata hoga lekin aapki practice mein na kuch rahega nahi. Ek time aayega jab mala bhi uthane ka man nahi karega ya aap utha hi nahi paoge mala, you know. Agar hum jo thoda bahut jo practice kar pa rahe hai na, this is only because of some mercy that we have got. That has to be very, very clear. Okay. When we say this, right, this mantra comes, right, which I recite in the beginning of the class, right? Ki vancha kalpataru bhyascha kripa sindhu bhayevacha patita naam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So basically it has, it's real thing. I mean, you know, ki jinki baatein jo vancha kalpataru bhyascha, jinki baato na kalpataru ki jaise hoti hain, they are like wish fulfilling tree. You know, you get a lot just by hearing them. Okay, and Kripa Sindhu, they are like ocean of mercy. They are ready to give you mercy like anything. Okay, and Patita Naam Pavane Bhyomi, like, you know, the people who are very, very fallen, they are ready to uplift them. Okay, people, extremely fallen people, right? And such Vaishnavas, I pay obeisances to such Vaishnavas. And this is the meaning of this mantra. So basically, this is real stuff. I mean, like, you know, people like Prabhupada, if he wouldn't have gone to America, right? So wahan par aise log jo नॉनवेज को बुरा बोलते हैं, दे यूज टू ईट काउ लाइक एनीथिंग, राइट? बचपन से वो वही खा रहे हैं, राइट? दे यूज टू टेक ड्रग्स एंड व्हाटएवर बैड यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग दे वर डूइंग, राइट? दोस पीपल गॉट प्यूरिफाइड लाइक एनीथिंग. व्हाई सो? आई मीन, जस्ट बाय अ टच ऑफ अ वैष्णव. ओके, एंड देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. द वैष्णवस आर लाइक दैट, दे कीप ऑन डूइंग इट. ओनली बाय देयर मर्सी ओनली पीपल हैव गॉट डिवोशन. देयर इज नो, यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु गॉट डिवोशन विदाउट getting the mercy of Vaishnava. I mean, I'll be happy to hear that. Any example, I mean, anywhere, just think about anything. Okay, any book, whatever. Okay, nobody gets bhakti without a mercy of a Vaishnava. It's not possible. Okay. So that's why, and you grow also because of their mercy. Enough. I don't have enough words to say, but I can tell 100 plus stories on this topic. But I hope I explained right. Yeah. Thank you, Prabhuji. Thank you. Okay. I was hoping to complete this verse, but it looks unlikely. Anyways, so okay, let me just quickly, very, very quickly in 5 minutes try to complete it. So now we talked about, we were talking about Veet Bhaya. So in fact, there are some examples of Veet Bhaya. Anybody can think of any examples of Veet Bhaya? Any fear, free from fear? Any example from scriptures where people were free from fear? अब जंगल जाके पूजा करना है या भक्ति करना है, लेकिन वहां पर खाने को मिलेगा कि नहीं, शेर तो नहीं आ जाएगा, वगैरह वगैरह. लेकिन दैट पर्सन, दैट किड ऑफ 4-5 years ऑफ एज, ही वाज नॉट बॉदर्ड, राइट, टू गो टू द जंगल और वहां पे टू डू सच सीवियर ऑस्टेरिटीज, ही वाज नॉट वरीड एट ऑल. इनफैक्ट प्रहलाद महाराज जो कि मतलब हिज फादर वॉज ट्राइंग टू किल हिम विद ऑल पॉसिबल थिंग्स एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल. सो दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्थित प्रज्ञ हु आर लाइक कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ सच थिंग्स, राइट? एंड द लास्ट वन इज अबाउट वीत क्रोध. तो वीत क्रोध मीन्स यू आर लाइक यू नो नॉट एट ऑल वरीड अबाउट यू आर टोटली फ्री फ्रॉम द क्रोध. So the story of Ambarish Maharaj, which I was telling, is actually an example of that. Right? That person didn't had any anger towards Durvasa Muni. In fact, when Durvasa Muni came to him, he was embarrassed. कि अरे मैं तो एक king हूँ और आप ब्राह्मण हो, आप मुझसे माफी मांगने क्यों आ रहे हो? Right? Now you should not be doing this. So and so many other devotees, right, who were not worried about this. I mean, I can give examples of, if you take examples of Shad Goswamis, you'll find all of this in those six people. But basically that's the point. So that is all. I hope it finishes this verse. I just rushed through it. Any questions?
We hardly finished half hours today. Any questions? Anybody? Okay, everybody is anyways tired and they're like, bahut ho gaya. I hope it was useful, right? Is it useful or like, you know, is it like, हम कुछ ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कुछ और सिंपल नो करना नो चाहिए, प्रभु जी इट्स यूजफुल, वेरी स्टोरीज वगैरह ऐड करनी चाहिए, व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो. इट वाज वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द डिफरेंट स्टोरीज एंड इलस्ट्रेशंस. ओके, नो लेट मी नो, आई मीन एनीथिंग एल्स व्हिच मेक्स दिस मोर इजीियर टू अंडरस्टैंड, विल बी हैप्पी टू डू इट, बट या ओके गुड, ऑलराइट, थैंक यू, या इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी आर डन हियर. थैंक यू. पांचाकल्पितरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटिवैष्णववृन्द की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. पिताय गौरप्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण.